number two. Baby number two. Baby number two, yeah, 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 baby number two. Baby number two. रास्ता क्यों रोका? चेकिंग करनी है। ये सब मिनिस्टर की गाड़ियां हैं, वो एम्बुलेंस है, इसे भी चेक करोगे क्या? ए, जल्दी रास्ता खोल, मिनिस्टर साहब के साले बहुत सीरियस है, हटा। सॉरी, चेक करना ही पड़ेगा। तुम कोई डॉक्टर हो जो पेशेंट को चेक करोगे? हम पेशेंट को नहीं, गाड़ियों को चेक करते हैं। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। अब ये चेकिंग वेकिंग छोड़ो, ये पॉकेट मनी रख लो। रिश्वत नहीं, तोहफा ले लो। इसकी आदत नहीं। तुम इंडियन फिल्म के हीरो मनोज कुमार तो नहीं? और रख ले यार, बेकार की बातें मत करो, चेक करने दो। बेड़ो, ये तो बहुत ही सिंसियर अफसर लगता है, बेचारे को दिखाओ अपनी सिंसियरिटी। चेक कर लो। चेकिंग करेगा? हेलो इंस्पेक्टर अर्चना स्पीकिंग। व्हाट? अच्छा, कहाँ? ओके, अभी आ रही हूँ मैं। मुंबई का हीरो। तुम फाइट क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। सच कह रही हो? ऑफ कोर्स। ठीक है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कर इनसे फाइट। जा मैडम के पास जा। अकड़ो नहीं, लुक बैक। इंस्पेक्टर का ड्रेस पहनकर उछल कूद क्यों कर रही है? अदरक खाई होगी। 20 साल से ये धंधा कर रहे हैं, तू जैसे कितनों को देखा है हमने। अब मजा आएगा बिल्कुल। नहीं नहीं, आई है ना। अरे आजा, ये हुई ना बात। बाप रे, शेरनी गीदड़ बन गई, अब एंट्री देनी ही होगी। अरे पकड़ ठीक से। अबे रुक जा, रुक जा। क्यों, तुम भी एंजॉय करोगे? मैं नहीं करता, लेकिन तू लंबी छोकरी को देखकर हरा भरा हो गया क्या? पहले हम एंजॉय करेंगे। गंदी नाली के कीड़े लेकर एंजॉय। हेलो इंस्पेक्टर साहिबा। उस चाटने से प्यास नहीं बुझती। फाइट मैंने की और मेरे गैंग को तुम ले जा रही हो? तुम्हारी गैंग यानी जैन के डॉन तुम ही हो? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहिबा,
मेरा मतलब ये मेरे मुजरिम है। मिस्टर, मेरी ड्रेस को देख के बात करो। ड्रेस व्रेस देख के बात करने की स्टाइल नहीं है हमारी, एकदम डायरेक्ट फेस टू फेस। जानते हो कौन हूँ मैं? ड्रेस असली है तो पुलिस इंस्पेक्टर। यस, चौकी नंबर वन की। लेकिन मेरा नंबर तुमसे ज्यादा है, चौकी नंबर टू का इंस्पेक्टर। हमारे बीच झगड़ा क्यों सर? 50-50 कर लेते हैं। 50-50? ये कोई माल है क्या? ए, सुनो, तुम सब इस तरफ आ जाओ। चलो चलो। पहले मैंने मारा था इन्हें। जी नहीं, पहले मैंने मारा था। ए, पहले तुम्हें किसने मारा था बोलो? अरे बोलना, पहले किसने मारा था? पहले किसने मारा नहीं जानता, पीछे से मारा था इसलिए नहीं देखा मैंने। यू फूल। ओके, तुमने ही मारा, लेकिन मेरे इलाके में आके क्यों मारा? जहाँ अटैक हुआ वो पुलिस चौकी मेरे इलाके में है। तो अपने इलाके में अरेस्ट करते, इनको मेरे इलाके में क्यों आए हो तुम? ये लोग यहाँ भाग आए इसीलिए। भागते नहीं तो क्या तुम्हारा वेट करते? तुम दोनों की ये हिम्मत कि हमारे इलाके में आके हमें ही मारो? ए, लगता अभी भी तेरा नशा उतरा नहीं। आप रे, फिर मारा। अगर तुम ऐसा ही हो तो बदन पे ड्रेस क्यों नहीं है? क्यों, नंगा दिखाई देता हूँ क्या मैं तुमको? पैंट शर्ट दिखाई नहीं देती? ए, आई मीन यूनिफॉर्म। लॉन्ड्री में दिया है। अच्छा, तो जरा आइडेंटिटी कार्ड दिखाना। कार्ड घर में भूल आया। ये ड्रामा बंद करो मिस्टर। इंस्पेक्टर कहते हो और ऐसी नंगी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दुनिया में सब नंगे आए, नंगे जाना। शट अप। ज्यादा बकबक की तो तुम्हें जीप में चढ़ा दूंगी। क्या? अब एक लफ्ज भी ज्यादा बोले तो सबसे कह दूंगी कि तुम्हें इस गैंग के लीडर हो। कोर्ट में गवाही दिला के अंदर बंद करा दूंगी, समझे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? हिम्मत वाली है सर। ए, ये सब छठे हुए बदमाश हैं, बदमाश। ले चलो इन्हें। चलो चलो। नमस्ते। एनी प्रॉब्लम सर? सारी रात सोया नहीं। मच्छर की वजह से? पतला पतला लेना है। किससे सर? घूमने से? नहीं, एक औरत से। औरत से बदला? इतना घबरा क्यों गया? घबराया नहीं सर, जोश में झूम उठा। बोलिए सर, कौन है वो? आपके लिए मेरी जिंदगी क्या जरूरत पड़ी तो आपकी तनख्वाह भी छोड़ दूंगा। वो भी तो पुलिस वाली है, चौकी नंबर एक इंस्पेक्टर। तो छोड़ दीजिए सर, पुलिस से टक्कर कैसी? हम भी तो पुलिस वाले हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हम कितने खतरनाक है खुद ही जानते हैं ना सर। शट अप। हम मर्द होकर भला एक औरत से डरेंगे? एक कुलीग को जो इज्जत देनी चाहिए वो भी नहीं की। जैसे भी हो खबर लेनी पड़ेगी उसकी। यू डोंट वरी सर, डिपार्टमेंट की जो इज्जत नहीं करती उसकी खबर मैं भी लूंगा। आज से उसका पीछा करके उसकी नाक में दम करना ही हमारी पुलिस स्टोरी, पुलिस डायरी, पुलिस फाइल, पुलिस चैलेंज है। होशियार चमक छल्लो। 10 का 20, 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 10 का 20। सुनो, 10 का 20 5 भुट्टे देना, मोटे दाने वाले देख के। सुनो माँ जी, मैं भुट्टे नहीं बेच रही हूँ, ब्लैक में सिनेमा टिकट। ब्लैक टिकट? हाँ, चाहिए? ठीक है, दो देना। ये लो टिकट। मैडम, 10 का 20, आप इतनी गिर गई हैं जो ब्लैक में टिकट बेच रही हैं? गिरी नहीं, ज्यादा दाम में बेच रही हूँ। रुपयों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एक बाजारू औरत का गेटअप। अरे बेवकूफ, रुपयों के लिए टिकट नहीं बेच रही हूँ। यहाँ लोग ब्लैक में टिकट बेचते हैं, मुझे बेचते देखकर असली धंधे वाले मुझ पर बरस पड़ेंगे, तब मैं उन्हें रेड हैंडेड पकड़ लूंगी। वाह, हाँ। आप जैसी पावरफुल सिंसियर पुलिस ऑफिसर की वजह से ही गुंडे डर के मारे पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। तारीफ बहुत होगी, अब जाओ, तुम्हें देखकर लोग मुझे पहचान लेंगे। यस मैम। अच्छा, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। 5 टिकट देना। 100 का नोट दो। तुम हो? क्यों चमक छल्लो, ब्लैक में टिकट बेच रही हो? ब्लैक में नहीं तो क्या, व्हाइट में बेचूं? साइड बिजनेस है ना। नाइट बिजनेस। तुम्हें क्या? एक तो ब्लैक में टिकट बेचती हो और ऊपर से अकल के बातें करती हो। ब्लैक टिकट ही नहीं, देसी दारू भी बेचूंगी। क्या कर लोगे? बंद कर दूंगा। बंद करने वाले तुम कौन होते हो? हा? चौकी नंबर 2 का इंस्पेक्टर, तुमसे एक चौकी ज्यादा। ये चौकी नंबर 1 है, यानी मेरा इलाका। यहाँ अगर किसी को अरेस्ट करना है तो मैं करूंगी। हाँ सर, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती हमारी है। तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस अफसर होना जरूरी नहीं है। एक आम आदमी, एक जिम्मेदार युवक, एक इंडियन, एक डॉन, एक शिवदादा, एक देश प्रेमी, एक बादशाह और एक मिस्टर नटवरलाल, ऐसे क्रिमिनल को, क्राइम को, अन्याय को, आगे क्या सर? अत्याचार। अत्याचार को रोकने का हक रखते हैं हम। अत्याचारी को पकड़ना हमारा फर्ज है। तुम लोग ऐसे उल्टे पुल्टे प्लान बनाओगे ही जानती थी, इसीलिए अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लाई हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। दिखाना अपना आइडेंटिटी कार्ड। ना जाने कहा मिस हो गया। मिस हो गया या तुम फिस हो गई? ड्रामा मत करो, तुम्हारा पर्दाफाश करता हूँ। भाइयों, बहनों, आओ, प्यारे साथियों, आओ यहाँ, आ जाओ, तमाशा देखो। इस औरत को देखिए, देश को, समाज को लूटने वाली, काले धंधे वाली, इस औरत को गौर से देखिए। क्या साहब, क्या हुआ? भारतीय नारी का इतिहास माँ बहन पत्नी बन के कितना महान बना हुआ है, लेकिन ये नारी गरीबों के खून पसीने को
ब्लैक करके लूट रही है। मैंने कहा काला धंधा मत करो तो चौकी नंबर एक के इंस्पेक्टर कह के गुमराह कर रहे। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर हो तो ब्लैक में टिकट बेचने वालों को पकड़ना चाहिए, टिकट नहीं बेचना चाहिए। कानून तो सबके लिए एक होता है, रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल। सती सावित्री, सती अनुसुईया, संतोषी माता जैसी नारियों का जन्म हुआ है इस देश में। माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर वगैरह को जन्म दिया है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री ने। ऐसी पुण्य भूमि पर जन्म लेकर ब्लैक में टिकट बेचने से ना फूलन देवी क्षमा करेगी ना श्री देवी। ओवर एक्टिंग है क्या? बोलो भाइयों बोलो, इस लड़की के साथ क्या सलूक किया जाए? बेचारी को छोड़ दो। नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो ये बस के टिकट भी ब्लैक में बेचेंगे। गले में बोर्ड लगा के तुम्हारी चौकी में तुम्हारा ही फोटो लगाऊंगा। चलो चलो उतरो। छोड़ो मुझे। इतनी आसानी से थोड़े ना छोड़ूंगा। कम ऑन चलो चलो। ए सलूट मुझे किया या इसे? आपको नहीं मैडम को किया। इडियट्स, काले धंधे वाली को करोगे? इस बहरूपी नौटंकी वाली को करोगे? करो। अबे इन्हें बाद में देख लेंगे। कौन है? पेन कहाँ है? पैड कहाँ है? राइटर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तो लिखो। क्या मजाक कर रहा है? केस है बे, इस लड़की पर एफआईआर दर्ज करके बंद कर दो। हम अपनी मैडम को बंद करें? कौन है तू? ए जबान संभाल के बात कर, वर्दी में नहीं तो। ये कौन है जानते हैं? बताऊंगा तो दंग रह जाओगे। आईजी साहब के फेवरेट इंस्पेक्टर है ये सब प्रोग्राम बाद में, पहले केस लिख। जी वो केस ब्लैक टिकट्स का है, बाकी तुम जो मर्जी लिख लो। चलो कुछ बोले बिना क्या लिखूं सर? केस ब्लैक टिकट्स का है, बाकी तुम जो मर्जी लिख लो। राइटर हो, बढ़िया चांस मिला है, टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका है। कांस्टेबल मैडम को अंदर ले जाओ। हेलो मैडम, मैडम कहा तो अंडमान की जेल में ट्रांसफर करा दूंगा। मुजरिम कहो। यस सर, मुजरिम को अंदर ले जाओ। मिस्टर विशाल। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज दिस सर? वो ब्लैक कैट है सर, स्मगलिंग गैंग की बिग बॉस। जानते हो कौन है वो? यहाँ के इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर होकर, और वो भी एक लेडी इंस्पेक्टर होकर? शेम शेम, इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या हो सकती है? ऐसे लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत नहीं रही सर। ऐसे लोगों की वजह से सिनेमा वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं सर। ऐसे लोगों की वजह से ही आप जैसे सिंसियर ऑफिसर की कोई वैल्यू नहीं रही सर। ऐसे गंदे कीड़ों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट में कई कीड़ों ने जन्म लिया है सर। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ए रामचरण सर, स्टार टीवी वालों को, डीडी वालों को, जी टीवी वालों को, सोनी टीवी वालों को, प्रेस वालों को, सबको बुलाओ। ओके सर। मिस्टर विशाल, वो ब्लैक में टिकट क्यों बेच रही थी जानते हो? यस सर। केस नहीं मिलते, रिश्वत नहीं देते, तनख्वाह कम है इसलिए पेट नहीं भरता। शट अप। ब्लैक वालों को पकड़ने के लिए मैंने खुद उन्हें भेजा था। सच कह रहे सर? सॉरी अर्चना, ये तुम्हारी असलियत नहीं जानते इसलिए बंद कर दिया। इट्स ओके सर। वेरी गुड, कैरी ऑन, यू कैन गो। मेरे थाने में मुझे लॉकअप में बंद करोगे? देख लूंगी। क्या देख लोगी? मिडनाइट मसाला में डबल मीनिंग सॉन्ग? फिल्म या सॉन्ग खुद देख लेना। शेक बिफोर यूज, इससे नशा बढ़ता है। क्या बात है, ऊप चढ़ गया है क्या नशा? नहीं बिल्कुल नहीं चढ़ा। अरे ऐसे मत हिलाओ, पीछे से लीक हो जाएगी। क्या दारू महंगी होने के बाद भी खुशबू नहीं आ रही है? अरे पीने वालों को थोड़ी आती है, बगल में बैठे लोगों को आती है। एकदम मिट्टी के तेल की बू आ रही है। दो नंबर का माल होगा। जाजी आया। देखो बेटा, और कब तक खुद खाना बनाते रहोगे? सर डैडी का इशारा समझ रहे हैं ना? मेरी बात मान के शादी कर लो। इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तुम्हें नहीं मुझे है। जल्दी साहब को नहीं मगर आपको है, समझ गया। तुम चुप रहो। तुम ड्यूटी पे जाते हो, मैं घर में कैदी की तरह रह के तंग आ गया हूँ। एक पैक लेते वक्त आमलेट बनाने के लिए घर में कोई और थी नहीं है। बेकार की बातें छोड़ो और खाना बनाओ, मैं बाजार जाके सब्जियां लाता हूँ। अरे यहाँ मिट्टी के तेल की बोतल रखी थी, कहाँ गई? वो मिट्टी का तेल था। हाँ दारू समझ के पी गया। क्या पी लिया? हाँ बेटा, अब पेट के अंदर का तेल बाहर कैसे आएगा? वेरी इजी सर, माचिस की तिल्ली जला के मुंह में डाल लो, पेट भी फिनिश, केरोसिन भी फिनिश, आप भी फिनिश। केरोसिन पी गए, चबा रहे। अरे मैडम, पैसे दिए बिना जा रही हैं? पैसे? यू मीन कैश? कांस्टेबल मैडम, लगता है इस इलाके में ये नया नया आया है, हमारा परिचय करा दो। ए ये कौन है जानते हो? कौन है? अमिताभ बच्चन की सास है क्या? शट अप। चौकी नंबर वन के इंस्पेक्टर की सगी माँ है। इंस्पेक्टर की सगी माँ हुई तो क्या हुआ, पैसे नहीं देगी क्या? ए चल पुलिस स्टेशन। क्यों? तू मैडम का हैंडबैग चुरा के भाग रहा था तो रेड हैंडेड पकड़ा है मैंने। चल मुझे देख आंख मारी।
डबल मीनिंग डायलॉग बोल रहा था, इसकी ये गवाही देगी। जरूर जरूर दूंगी। हे भगवान, मेरी मत मारी गई थी जो पैसा मांगा, मुझे छोड़ दीजिए मैडम। वो फेलो। अच्छा, ये बूढ़ी लोमड़ी उसकी माँ है रामचरण? ये ऐसी वैसी बूढ़ी नहीं है सर, बिल्कुल पकी हुई है। 10 ग्राम प्याज, 5 ग्राम भिंडी, 6 ग्राम हरी मिर्च लूंगी। देने का दाम बताना भाई। 5-10 ग्राम में सब्जी बेचते रहे तो धंधा चौपट। वो बंगले वाले अच्छे हैं जो किलो में खरीदे और भाव भी ना पूछे। सुनो भैया। बोलिए मैडम। 5 किलो भिंडी, 5 किलो करेले, 5 किलो हरी मिर्च, 5 किलो बढ़िया प्याज और 150 नींबू जल्दी से दे दो। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ग्राहक हो तो ऐसा। किलो में ऑर्डर और भाव भी नहीं किया, देख लिया। जल्दी करो ना। लीजिए मैडम, सब ताजा है। लीजिए, और कुछ चाहिए मैडम? आज के लिए बस है। जी मैडम, बिल नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। मेरा मतलब रुपए। रुपए मतलब कैश। कैश कांस्टेबल। एए, चौकी नंबर 1 के इंस्पेक्टर की सगी माँ से रुपए मांगते हो? नहीं मैडम। तुम बैंगन में बम रख के बेचते हो, लाइसेंस के बिना लौके में दारू रख के बेचते हो। महा नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं। थैंक यू कांस्टेबल, ऑटो बुलाओ। अरे अरे, आप तो चौकी नंबर 1 के इंस्पेक्टर की सगी माँ है, आप और ऑटो में आइए, जीप में ड्रॉप की देता हूँ। Who are you, मिस्टर? ये चौकी नंबर 2 के एसआई है, आपकी बेटी और हमारी एसआई साहब के बीच बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। देख लिया, डिपार्टमेंट से प्रेम हो तो ऐसा। चलो ये क्या मिस्टर, मुझे यहाँ क्यों ले आए? थक गए होंगे ना आप शॉपिंग करके, इसलिए लॉकअप में आराम कीजिए। What? मुझे लॉकअप में बंद करोगे? हाँ, देखते क्या हो, ले जाके बंद कर दो। ए मिस्टर, चौकी नंबर 1 की इंस्पेक्टर की सगी माँ हूँ मैं। उस एसआई की माँ होना ही तो तुम्हारे लिए शराब है। आओ। मुझे हाथ लगाता है, तेरी छोड़, मुझे मैं कहती हूँ। What is this rascals? मुझे लॉकअप में बंद करेगा, अभी ट्रांसफर करा के तुझे चंबल के डाकू इलाके में ना भिजवा दिया ना, तो मैं उसके सगी माँ नहीं। ए, इसकी माँ उसकी माँ का रुबाब जमाती है, जबान खींच लूंगा। खींच के देख, अभी चीफ मिनिस्टर को फोन करके तुम सबको डिसमिस करा दूंगी। ओके ओके ओके। हेलो, चंद्रबाबू नायडू, नमस्ते सर, लाइन में रहिए, मैडम बात करना चाहती है। तो कर लो बात। अभी उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। क्यों, निकल गई ना हवा? हमने चूड़ियां नहीं पहनी, तुम जैसियों को कितनों को देखा होगा मैंने। हेड है तो हेड की हैसियत से रहे, एसआई की तरह स्टाइल मत मार। ए, बकवास बंद कर वरना बंदूकों की मार पड़ेगी तुझे। अब देखना रामचरण, वो यहाँ आके हाथ पांव जोड़ के मस्का लगाएगी मुझे। किरण बेदी की स्टाइल में आ रही है। आप लाठी की तरह कड़क रहिए सर, झट से अंडरस्टैंडिंग होकर आपके अंडर में आ जाएगी। बेटी, मम्मी, बेटी, मम्मी, बेटी। ए, बेटी बेटी कहा तो कोठे तक लाठी मारते हुए ले जाऊंगा, चुपचाप सांप सीढ़ी खेलो। नहीं आता खेलना। तो श्रीलंका टीम को बुलाता हूँ, क्रिकेट खेलोगी? एक्सक्यूज मी सर, अपनी मम्मी को छुड़वाने आई हो? आप बहुत शार्प हैं सर। मस्का नहीं सर, अनजाने में वो। अनजाने में नहीं, तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये ड्रामा किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुम्हारी सब्जी कांड का पर्दाफाश कर दिया है। सर, मैं इनोसेंट हूँ सर, मैं हमेशा पैसे देकर ही खरीदती हूँ, लेकिन मेरी माँ लालच में आकर। नो, अपनी माँ के जरिए तुम रिश्वत ले रही हो, इसकी हमें CBI से इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं इस केस को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कल ही हम लोग इस केस को असेंबली और पार्लियामेंट में मूव करने वाले हैं। नो, इस केस को इतना डेवलप मत कीजिए। नहीं, शर्म नहीं आती गड़गड़ाते हुए? ए रामचरण सर, FIR फाइल करके फौरन इस बुढ़िया को अदालत में पेश करो। अरे नहीं 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 सर, आपकी जो भी इच्छा हो मैं देने के लिए। सर ये केस। ये क्या, तू यहाँ कैसे? मैं आपके साथ यहाँ थाने पे नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा? लेकिन अर्चना ने मुझे अभी चुम्मा दे दिया क्या? हाँ? आप दिन में तारे गिन रहे थे, अर्चना जी आपके सपने में आए होंगे, लेकिन आप दीवार को चुम्मा दे रहे थे। सर वो लेडी इंस्पेक्टर आ गई है, आप पैरों को टेबल पर रखिए, वो आके आके पैर पकड़ेगी। अब तो चुप करो और मुझे डिग्निफाइड लगने दे। सर, हीरोइन के बदले साइड कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बेचारी ने शर्म के मारे खुद ना के इन्हें भिजवाया होगा। इनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, जब तक वो नहीं आएगी नो टॉकिंग। ओके सर। नहीं, मैं एक नहीं सुनूंगा तुम लोगों की। हम यहाँ क्यों आई हो, किसने भेजा, ये हमारे साहब अच्छी तरह जानते हैं। आप चाहे मेरे पैर पड़े या आंसू बहाएं, आपकी मैडम की मदर को नहीं छोड़ूंगा मैं। अपनी मैडम से जाके कहो कि खुद अपनी माँ को छुड़वाएं। हमारी बात जरा सुनिए सर, मैडम ने आपके डैडी को अरेस्ट किया है। तो क्या? Yes, that is my daughter. वो इस वक्त हमारे थाने में हमारी कस्टडी में है, यही बताने आए हैं हम लोग। कपड़े उतरवा के अरेस्ट किया है ना, जानती हो मेरा बेटा कौन है? कंप्लेंट लिखाओ, वो बदमाश कौन है पता लगाऊं। औरत होकर ऐसी बातें करती हो,
ये बात अगर मेरा बेटा जान गया तो मेरा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझ गए? क्या? आइए मैडम, धीरे संभाल, आइए मैडम, आइए आइए। अरे बेटा ठीक वक्त पे आए हो, इसकी खबर ले लो। मेरी एक नहीं सुनी और हाथों में हथकड़ी पहना के मेरे कपड़े उतरवा के लॉकअप में बंद कर दिया मुझे। अंडरवेयर नहीं उतरवाया, शुक्र करो। कुछ पे तरस खा के नहीं, सेफ्टी के लिए नहीं उतरवाया। ठीक, बस करो, मैडम से ऐसी बातें करते हो क्या? आप आइए मैडम। एक्सक्यूज मी, मदर को ले आया हूँ, फादर को छोड़ देंगी तो? कॉन्स्टेबल? यस मैडम, चौकी नंबर 2 के इंस्पेक्टर अपने डैडी के जरिए दारू का धंधा कर रहे हैं, एफआईआर में क्लियर है मैम। मजाक छोड़िए कांस्टेबल मैडम, एफआईआर लिखते वक्त गवाही भी तो चाहिए। गवाही? बाप ने खुद स्टेटमेंट दी है कि उसका बेटा इसमें शामिल है। जरा भी अकल होती तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। तो मुझे क्या पता था, साइन करने को कहा था इसने। साइन करने को कहा था, दारू देंगे कहा था, शायद तब मैं नशे में था। ये कंप्लेंट लेकर अदालत में जाओ। यस मैम। कांस्टेबल रुको, हमारे बीच में झगड़े क्यों? आप मेरे फादर को अरेस्ट करें या मैं आपकी मदर को अरेस्ट करूं, इज्जत हमारे डिपार्टमेंट की तो जाएगी। ऐसे आदमी को छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट वार्निंग देके छोड़ दीजिए। अकल से काम लेना सिर्फ तुम्हें आपको नहीं। भी आता है ये, हम जान गए मैडम। अब कभी भी मुझसे मत उलझना, खुद बुला के कहोगे तो भी नहीं उलझेंगे। छोड़ दो उस बुड्ढे को। अपने आप को समझती क्या है? मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। दारू पीते हो ठीक है, खरीदना छोड़कर बेचना कब से शुरू कर दिया? दारू के बोतल मैं क्यों बेचने लगा, मैं तो पीता हूँ। अरे हाँ, ये तो बेवड़ेबाज है। फिर बेचे मैंने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया था? सुबह घर पे आई, मैंने पूछा कौन हो, तो बोली आपकी पड़ोसी हूँ, आपके बेटे से मिट्टी का तेल लोन पे लिया था, लौटाने आई हूँ, कह के दो बोतल हाथ में रख दी। बस मैं अंदर गया, पीछे से पुलिस लाके बोली यू आर अंडर अरेस्ट। अरे वाह, ऐसी की तैसी उसकी, उसका तो मैं बाजा बजा दूंगा। ये लो। मैं सब आपकी पहुंच कितने उसी सब्जी मार्केट में देख चुका हूँ, पैसे नहीं चाहिए मुझे। फ्री में लिफ्ट नहीं चाहिए। कैसी है? क्यों जी, इंटरकास्ट मैरिज है क्या? नहीं तो फिर मंडप पे तुम्हारी बेटी के बगल में पंडित जी क्यों बैठे? नहीं नहीं, वो शादी कराने वाले पंडित हैं, बैठो। तो दूल्हा कहाँ है? वो अंदर ड्रेस चेंज कर रहा है। आप दूल्हे को जल्दी लाइए। हेलो एवरीबॉडी, ये क्या दूल्हे को लाने को कहा तो भूल से उसके बाप को लेके आए क्या? मैं ही दूल्हा हूँ, 20 करोड़ कमाने तक शादी ना करने की कसम खा के फौरन गया था, कमाने में देर हो गई, सो लेट मैरिज। ये गुड़िया जैसी दुल्हन के बगल में राक्षस कैसे? रुक जाइए, रंग में भंग डालने वाली ये फुलझड़ी कौन है? क्यों दूल्हे साहब, आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ए, उठ वहां से। आओ, किससे कह रही हो? तुझसे, बदमाश। और कितनी शादियां करेगा, कितनी बार दूल्हा बनेगा? क्यों बेटी, इसकी शादी हो चुकी है? एक नहीं, कई हो चुकी है। यस, आप फिक्र मत कीजिए, उन सबको तलाक दे दिया है। दे दिया तो इस लड़की के पिता समान उम्र है, तेरी तो कन्यादान करने की उम्र है, इस उम्र में पति बनना चाहता है? ये पूछने वाली तुम कौन हो? जिन लाचार लड़कियों से तुम खिलवाड़ करते हो, मैं उनकी प्रतिनिधि। देखो बेटी, मंडप में शादी रुक गई तो इस जन्म में इसकी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या कमी है इसमें? लड़के को लड़की ना पसंद हो तो शादी नहीं होती, लेकिन लड़की को लड़का ना पसंद हो तो भी शादी करवा देते। अपनी मर्जी से ही तो लड़की दुल्हन बनी है। इस 50 साल के धोखेबाज को भला कौन लड़की पसंद करेगी, कौन इससे खुशी से शादी करेगी? क्यों, तुम सुंदर नहीं हो, पैसे नहीं है, या फिर अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत नहीं है, या मन पसंद लड़की से शादी नहीं कर सकती? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले इस हैवान के साथ जाकर लाश बन के जियोगी? कल ये बदमाश तुम्हारी इज्जत लूट कर औरों की तरह तुम्हें भी तलाक देकर एक और शादी कर लेगा। गॉड प्रॉमिस, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, यही लास्ट एंड फाइनल मैरिज है। प्रकाश, मैं गले में मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ, फांसी का फंदा नहीं। औरत कोई झाड़ू पोंछा नहीं है जो मद की जरूरतें पूरी करके कोने में बैठ जाए, जरूरत पड़ी तो जान भी ले सकती है। आपने मेरी आंखें खोल दी, शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर कुमारी रहूंगी, लेकिन ऐसे लफंगे से शादी नहीं करूंगी। फूट यहाँ से। ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, इस बदमाश का पर्दाफाश करके पुलिस के हवाले करूंगी। चल रे, चल, कम ऑन। बेचारा, दुल्हन के पिता ने बहुत रुपए खर्च किए हैं। हाँ, रुपए तो गए, लेकिन लड़की की जिंदगी तो बच गई। सुनिए, आपके बेटे के कितने बच्चे हैं? 3 होते अगर शादी होती। यानी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं, आपकी बेटी की हो गई। दूल्हा ढूंढ रही हूँ। तब आप और मैं एक समझौता कर लेंगे।
What? आप बुरा ना मानिए, आप और मैं यानी आपकी बेटी और मेरे बेटे के साथ शादी हो तो कैसी रहेगी? मस्त पिक्चर जैसी मस्त होगी, लेकिन उन दोनों में तो बनती ही नहीं, शादी कैसे करेंगे? हम दोनों अकल से काम लेकर शादी करवा देंगे। क्या है, मर्द की तरह लाठी घुमाते हुए और कितने दिन रहोगी? मांग में सिंदूर भरवा के माँ बन जाओ तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए बढ़िया रिश्ता ढूंढा है। लड़का वेरी गुड, वेरी हैंडसम फेलो, सुपर नौकरी है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। शादी आपकी नहीं मेरी है। तुम उसे देखोगी तो तुम्हारा दिल डिस्को डांस करने लगेगा, इतना हैंडसम है वो। डिस्को डांस की बात बाद में, पहले फोटो मंगवाओ देख के बताऊंगी। देखो बेबी, फोटो देखकर धोखा खा जाओगी, मेकअप करके कलर फोटो निकालने से जॉनी लीवर भी अमिताभ बच्चन जैसा दिखेगा, इसलिए घर पे बुलाऊंगी, डायरेक्टली देख लो, पसंद आ गया तो फिक्स कर लेंगे। नहीं, मुझे नहीं करनी। लड़की मिस इंडिया जैसी है, मिस वर्ल्ड जैसी भी तो भी नहीं करनी। क्यों नहीं? मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। शादी करोगे तो इससे भी प्रेम कर सकते हो, ये लड़की क्या टॉल है, क्या सुंदर जोड़ा होगा, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हो इसलिए दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा। एक ही डिपार्टमेंट? ओ माय डैडी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? जिससे प्रेम करता हूँ वही है, अर्चना है तो फौरन कर लेता हूँ। तो फिर देर किस बात की, मुहूर्त निकालिए। रुकिए ना मम्मी, जल्दी भी क्या है, लड़का आएगा, मुझे देखेगा, मैं पसंद करूंगी। वो तुझे जरूर पसंद आएगा। तो तभी मुहूर्त निकालेंगे, पंडित जी भाग नहीं रहे। चौकी नंबर टू वालों को बुलाया था क्या? नहीं तो ए, ये सब क्या है, यहाँ क्यों आए हो? ड्यूटी पे आए हैं, सीआई साहब आ रहे हैं। सीआई साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? पूछ के बताएंगे मैडम। लेकिन ये सीआई कब बने? जस्ट आज सुबह ही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या बेबी, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करना हमारा कल्चर है, सैल्यूट क्यों करती हो? हाथ जोड़ने के लिए हमारे गेस्ट नहीं है, कल तक यमराज थे, जब ग्रेड बढ़ गया तो बॉस बन गए। यस अर्चना, ये बॉस वॉस की बात छोड़ो, ये बताओ दुल्हन की तरह ये गेटअप किस लिए, कोई फंक्शन है क्या? सर वो आज मुझे देखने। ओह लड़का आ रहा है, यानी कैंडिडेट स्वयं? नहीं वो नहीं सर। फिर कौन? कौन है नहीं जानती सर। अरे तू भी कितनी बुद्धू है, तुझे देखने यही तो आए हैं। यही है, ये पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो तुम ना कह देती, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये ड्रामा किया। तो क्या अब हाँ कह दूंगी? मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। अर्चना कॉल मी एसआई, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आए हो तो आपके सामने सर झुका सकती हूँ, अदरवाइज सॉरी। You don't worry, मैं उसे बात करती हूँ। What baby? वो खुद तुमसे शादी करने आया है, मान ले। नहीं करनी है उससे। क्यों? क्या कमी है? सुंदर भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, इस सबसे बढ़कर शरारती भी है। इसी में तो उसकी शान है, और मर्द जितना शरारती होता है उतना पावरफुल भी होता है। तुम नहीं जानती माँ, वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे सताने के लिए, मुझसे खिलवाड़ करने के लिए। नहीं, जीवन साथी बनाने के। तुम मुझे अच्छी लगी, तुम्हें देख के, तुमसे बात करके, तुम्हारे साथ रहने के लिए, सिर्फ मजाक में मैं तुम्हें सता रहा था, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं, सचमुच मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये झूठ है। सच है ये, पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी दिल दीवाना हो गया, दिल ने गुनगुना कर कहा कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं, अब तुमने ना कहा तो मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ कहा तो? हॉर्लिक्स पीते होंगे चुप इस बॉडी पे।
गुड़ का मसाज करें तो भी मक्खी नहीं बैठती, चींटी नहीं रेंगती। क्यों, इतनी बू आती बदन से? मजाक नहीं, चुपचाप तेरे हाथ में जो है उसे दे दे। अरे यार, इसके लिए इतना बिल्डअप क्यों? यही तो किलर भास्कर के स्टाइल है। पॉकेट में क्या है? दूध की बोतल और पर्स। मुझे क्या बच्चा समझा है, जो दूध की बोतल लो वो पर्स निकाल, चल निकाल। ओके। वो घड़ी भी निकाल। दिवाली पे दादाजी ने तोहफा दिया था, पसंद आए तो रख लो। लो अब मैं जाऊं। ठहरो। ए जोर से मत चिल्ला, मेरा बेटा उठ जाएगा। ये कोई राजकुमार है? नहीं, मेरा कुमार है। इस बच्चे के हाथ में जो कड़े हैं उन्हें निकाल के दे दे। बेटा सो रहा है, कड़े बहुत टाइट हैं, जाग जाएगा। जाग जाएगा तो रोएगा। रोने दे, रोने से क्या दुनिया जाग जाएगी, निकाल बे। ठीक है, तुम अपना एड्रेस दे दो, मैं खुद पहुंचा दूंगा। कल किसने देखा है, जल्द। अबे क्या खिलाता है अपने बच्चे को, इतने हट्टे कट्टे हाथ हैं। मेरे बेटे को रुलाता है, खेल खत्म। नहीं बेटा नहीं रोते। नहीं बेटे रोते नहीं, मैं आ गया। क्यों भाई? हाँ हो गई शॉपिंग तुम्हारी? हाँ हो गई, उस तरफ डिटॉल है ले लो। हाँ तूने मुझे ऐसा वैसा समझ के खूब पिटाई करके मेरे दांत उखाड़ दिए थे, अब देख मैं इसका क्या करूंगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो। तेरा बेटा? वो कह रहा था मेरा बेटा। अरे बेवकूफ, अगर ये मेरी पत्नी है तो मेरा बेटा उसका बेटा नहीं हुआ क्या? तो तेरे बेटे को कुछ नहीं करूंगा, तेरी बीवी का करूंगा रेप। वो मुझे बेडरूम में नहीं आने देती, तुझे रेप क्या करने देगी? इतनी पावरफुल है? वेरी पावरफुल। मेरी बात मान, छोड़ दे उसे। आफ्टर ऑल ये एक औरत है, मेरा क्या करेगी? ए सुन, एक मर्द होने के नाते तुझ पे तरस खाता हूँ, उसे मत छेड़। पागल की तरह बात मत कर, जेंट्स के लिए जरा वीक हूँ पर लेडीज के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग। मारा गया। एक फोन करते हैं। क्यों बे, फिनिश हो जाओगे, कहा था ना उससे झगड़ा मत मोल ले, लेकिन नहीं माना। देखा, एक के बाद एक दो दांत टूट गए तेरे। अरे छोड़ दो ना। हरगिज नहीं, ले जाके बंद कर दो इसे। अरे नहीं, तरस खा के शनिवार तक अरेस्ट मत करो, संडे को खुद सरेंडर हो जाऊंगा। क्यों, मुहूर्त निकाला है क्या? शनिवार को मेरी शादी होने वाली है। डोंट वरी, तेरी शादी मैं करवाऊंगी। नहीं नहीं मैडम, मेरी बात मानिए। खिलाना चाहिए। ये अच्छा है ना बेटा विशाल, देखो कैसे हंस रहा है ये। अरे हंस रहा है तो बाहर ले जाइए खिलाने। हंस रहा है तो कैसे खिलाओ, रोते हैं तो खिलाते हैं ना। यही तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अच्छा समझ गया बबुआ, चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? दिन ब दिन तुम्हारी सुंदरता बढ़ती ही जा रही है। ये क्या, छोड़ो ना। बीविया हमेशा उल्टा डायलॉग ही बोलती है। ड्यूटी पे नहीं जाना? तुम्हारी जिंदगी एक पुलिस स्टेशन है, उसमें तुम एक कैदी हो, तुम्हारा पति इंस्पेक्टर है एंड यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें तो दिन रात का फर्क ही नहीं पता चलता है। मेरी जान, तुमसे मिलने के बाद महीना साल तारीख सब भूल गया हूँ, तो फिर इस दिन रात का होश कहाँ होगा? नहीं ना प्लीज। ना ना कहो प्लीज। टाइम हो रहा है ना जी। कोई बात नहीं, वहाँ भी तो मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ ना। सर सर, एसपी साहब आए हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो, मिनिस्टर के भाई के केस को
कल कोर्ट में पेश करना है। यस सर। सब रेडी है ना? वो केस अर्चना डील कर रही है सर। अच्छा, अर्चना कहाँ है? शायद अभी आई नहीं सर। शायद मतलब? अभी आ जाएगी सर। टाइम 12 बज रहे हैं, लेट परमिशन के लिए अप्लाई किया क्या? नहीं सर। परमिशन के बिना लेट आने का मतलब? एक्शन लूंगा सर। आज की खास खबरें क्या है? तुमने मुझे खबरें और हेडलाइन सुनाने वाला कोई दूरदर्शन का रिपोर्टर समझ रखा है क्या? अरे तुम्हें क्या हो गया? How dare you? सबॉर्डिनेट होकर विश किए बिना मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई? नाटक बंद करके जरा फैन ऑन करो, बहुत गर्मी है। Shut up and get up. अब टाइम क्या हुआ है? हाथ में घड़ी है ना? मैंने टाइम जानने के लिए तुमसे टाइम नहीं पूछा। इतना लेट क्यों आई हो तुम? तुम नहीं जानते? पत्नी की तरह रोब क्या जमा रही हो? इस वक्त मैं तुमसे एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इतना लेट क्यों आई हो तुम? जवाब दूँ? देना पड़ेगा। सुनिए, मेरे पति को 24 घंटे उसी का भूत सवार रहता है। 5 बजे उठ के घर का और रसोई का काम करके तैयार होके ऑफिस जाने के लिए ड्रेस चेंज कर रही थी, तो पीछे से ठीक वक्त पे उसने मुझे। बस कर, चुप हो जाओ। पति को खुश करना है तो काम से छुट्टी लेके क्या करो, ऐसे ड्यूटी के वक्त नहीं, ये लास्ट और फर्स्ट वार्निंग है, जाओ काम करो। ओके सर, ओके सर, आप यहाँ होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। ओके ओके, कैरी ऑन। डैडी? हाँ? आपकी बहू का मूड कैसा है? वेरी बैड बेटे। डार्लिंग? बोलो डार्लिंग। मुझे प्यास लगी, जरा पानी दे देना। खुद लेके पी लो। अर्चना? हाँ? जरा गर्मा गर्म कड़क चाय देना। खुद बना लो। छोड़ो यार, खाने का वक्त हो गया है ना, क्या बनाया? जो बनाना था बनाया, खाया, बचा खुचा काम वाली ले गई। आहा, पतिव्रता हो तो ऐसी हो। आज मुझे भूख नहीं लगेगी, पहले से कैसे जान गई तुम? बीवी है, मजाक। मस्का मत लगाओ। तुम्हें मस्का लगाने की मुझे क्या जरूरत है डार्लिंग? दूसरी बीवी होती तो मैं लगा। दूसरी बीवी भी है? जी जी जी, दूसरे की बीवी के बदले दूसरी बीवी कह दिया। डार्लिंग गुस्से में हो? नहीं, गर्म हूँ। तो ठंडा कर देता हूँ। छुओ मत मुझे। क्यों, सुबह एसपी साहब के सामने रोब जमा रहे थे ना, मुझे बता सकते थे कि वो है, उनके लिए आप सिंसियर हैं और मैं बेवकूफ। यानी कानून और धर्म की जंग? ये क्या डालें, नीचे क्यों सो गई? कानून और धर्म की हिफाजत करनी है ना, आप सीआई साहब हैं, मैं एसआई हूँ, आप ऊपर होंगे मैं नीचे। अरे नहीं 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 नहीं, ये डायलॉग तो बाहर वालों के लिए है, अपनों से बढ़ के थोड़ी है नौकरी की जिम्मेदारी। ये डायलॉग घर में बोलते हैं क्या? बातों से हेरा फेरी करके काम निपटा लेते हैं, आपसे गालियाँ खाने की मुझे क्या पड़ी है। रोती क्यों डार्लिंग, क्या हो गया? मैं क्यों रोऊंगी, देखते रहना, कल ही मैं उस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी, जिन्हें रोना है खुद रोएंगे। बीवी को जब गुस्सा आता है ना, तभी पति का मूड आता है डार्लिंग। मुझे कोई मूड नहीं आया, छोड़ो। अरे मुझे आ गया, तुम्हें भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। अर्चना सर, आज उस मिनिस्टर के भाई के केस का फाइनल हियरिंग होगा, एविडेंस एकदम पक्का है ना? नहीं तो अपने भाई को छुड़वाने के लिए वो मिनिस्टर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके केस को उल्टा पुल्टा कर देगा। नहीं सर, सब कुछ पक्का है, जिंदगी भर की सजा मिलेगी। गुड लक, इसे साथ ले जाओ। अरे आप इसे यहाँ क्यों ले आए हैं? डैडी घर पे नहीं है, मुझे जरूरी काम से जाना था और ये रो रहा था, समझ में नहीं आया क्या करूँ। मुझे कोर्ट जाना है। ठीक है लाइए। नहीं बेटे नहीं, एसपी साहब अंदर है। ओके। हेलो, यस,
क्या हो गया? लगता है किसी ने बॉम्ब रख के पुलिस मैन को उड़ा दिया। उसमें जो लोग थे बेचारे जल के राख हो गए, कोई नहीं बचा। पिछले तुम्हें 2 साल हो गए, और कब तक लाश की तरह जियोगे? तुझे देख के दिल पिघला जा रहा है, तुम्हें फिर से पुराना विशाल बनके दूसरी शादी करनी होगी। डैडी। हाँ बेटे। दूसरी शादी करके मैं अर्चना को धोखा नहीं दूंगा। खाना पीना छोड़ के ऐसे दुखी होकर पागल बनके हमें दुखी करोगे? हम तुम्हें अर्चना को भूलने के लिए नहीं कह रहे हैं, उससे बिछड़ने के दुख को भूल जाओ। मेरी बेटी तो चली गई, कम से कम तुम तो सुखी रहो। अर्चना का पति बनकर ही जियूंगा माँ जी, और किसी का पति बन के नहीं। तुम्हारे लिए अर्चना ही नहीं, जीता जागता पिता भी है बेटा। मैं भी एक पत्नी का पति था। पत्नी के बगैर जिंदगी कितनी दुख भरी होती है मैं जानता हूं। तुम्हारी मां को भुला ना सका, आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन बिन मां के बच्चे को अनाथ बनाकर जाना नहीं चाहा, इसलिए जी रहा हूं। उसे भुलाने के लिए शराब की आदत डाली। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, इस वंश को खत्म नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए इस घर के लिए एक औरत की जरूरत है। स्वर्गवासी अर्चना से जितना प्रेम है, उतना अगर सजाड़ी से है तो शादी कर लो, नहीं तो बोलो किसी रेल के नीचे गिर के मर जाऊंगा। मान जाओ बेटे। अपने लिए ना सही, हम सबके लिए शादी कर लीजिए। आप अगर शादी कर लेंगे तो अर्चना मैडम की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रामचरण, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस शुभ अवसर पर जम के पिएंगे। नहीं, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। सुपर। सुनो, आज से तुम्हारी ड्यूटी दामाद के साथ नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। चलो लड़की ढूंढते हैं। ऐसा है तो बढ़िया पोज वाला सबका एक फोटो निकालो, दुल्हन को दिखाएंगे। देखने में तो स्मार्ट है। अरे ओरिजिनल फिगर देखोगी तो और भी खुश हो जाओगी, एकदम स्मार्ट है। सिर्फ देखने में स्मार्ट नहीं, शादी के लिए भी फिट होना चाहिए। मेरे आदर्श और प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना चाहिए। यानी? मेरे होने वाले पति श्री राम जैसे होने चाहिए। यानी मुकुट पहन के धनुष तोड़ते हुए क्या? शट अप। एकदम हट्टे कट्टे होने चाहिए। लड़के के पिता फॉरेन की नहीं इंडियन लड़की चाहते हैं। उसका दिल इंडियन है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडियन लड़की ही मिले ताकि औलाद भी इंडियन पैदा हो। दहेज में एक पैसा नहीं देंगे। अरे वो पैदाइशी रही से। लेकिन मेरे बेटे की पहले एक शादी हो चुकी है। नहीं बेटी, नहीं, यही पहली शादी। इससे पहले कई रिश्ते आए थे लेकिन ना कह दिया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लड़की पसंद नहीं आई, तुम्हारी फोटो देख के इम्प्रेस हो गया था। तुम्हें अगर वो क्यों हो तो मुझे ओके। ये क्या, लड़के की दूसरी शादी ये क्यों नहीं बताया? बताता तो नहीं मानती, इसलिए झूठ बोलकर। मेरी बेटी के प्रिंसिपल्स को देखकर कोई तैयार नहीं हो रहा है, बाय चांस आपका रिश्ता आया। ठीक है, लेकिन मांग में सिंदूर भर के सुहागरात हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यानी धोखे से शादी करोगे? इसमें धोखा कैसा, मेरी बेटी को ना पहली बीवी के बच्चों को पालना है और ना ही पति को बांटना है। लेकिन सुनिए, लड़की बहुत फास्ट है, एक शादी में देखा था, बाद में कुछ गड़बड़ कर दी तो? गड़बड़ होगी तो मेरी बेटी के साथ ही ना। अरे जब इन्हें एतराज नहीं तो हमें क्या? आप ना कहेंगे तो उसकी शादी नहीं होगी, मान जाइए ना। ठीक है, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी छोड़िए, लड़की को सब कुछ बता दिया ना? सब कुछ यानी बस आपकी शादी का ना? शादी की ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता दिया। हाँ, बता दिया। क्या कहा उसने? बहुत दुखी हुई। हाँ बेटे, तुम ही से शादी करना चाहती है वो? तुम भी हाँ कर दो तो। ठीक है, आप लोगों की जैसी मर्जी। ये क्या, उस लड़की से तो सच्चाई छुपाई पर साफ से झूठ क्यों बोला? नहीं बोलेंगे तो शादी हरगिज नहीं करेगा। अरे बाद में पता चला तो? लड़की के बाप ने बोला ना, लड़की के मांग में सिंदूर भरने के बाद जब सुहाग रात हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप शादी करवा के फौरन हनीमून भेज देंगे। आइए बैठिए। टोटल बिल कितना हुआ? 10,000।
10,000 Yeah. तो एक काम करो ये 1,000 रुपए ले लो और समझ लो कि 10,000 हजार रुपया हाँ। वर्कआउट नहीं होगा नहीं तो ये बिल्डिंग तुम्हारे नाम कर दूंगा तो वर्कआउट होगा हाँ? अरे सर ये सब क्या हो रहा है सर देखिए ना अरे रामचरण बहस क्यों करते हो कुछ देकर भेज दो उसे बाबूजी, माँ रामचरण अर्चना तुम मरी नहीं बाबूजी, मैं जिंदा हूँ उनके प्रेम ने मुझे जिंदा रखा बच्चा आपका पोता बेटा बेटा आजा आजा बेटा आजा आजा इतने दिन कहाँ थी तुम बेटी कहाँ खो गई थी वो सब बातें बाद में बताऊंगी वो कहाँ है अंदर है नहीं मैडम क्यों ऑफिस गए हैं ड्यूटी पर गए हैं हाँ ड्यूटी पे गए हैं कौन से होटल में ठहरे हैं ताज रेसिडेंसी अंदर चलो बताती हूँ नहीं माँ पहले उन्हें देखना चाहती हूँ इसी वक्त सब्र करो बेटी दो तीन दिन में आ जाएगा वो दो साल उन्हें देखे बिना लाश की तरह जीती रही अब दो पल भी सब्र नहीं कर सकती बाबूजी सुनो बेटी अर्चना बेटी बात तो सुनो क्या होगा यही तो समझ में नहीं आ रहा विशाल की फिर से शादी की इसके लिए दुखी हूँ क्या बेटी जिंदा वापस आ गई उसकी खुशी बनाऊँ क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये टेंशन नहीं सह सकता इसलिए फिर से पीना शुरू कर दूंगा रामचरण साहब को फोन कर दो बता दो अर्चना वापस आ गई और उसे दूसरी शादी की बात ना बताए हेलो पूना से माणिक चंद बात कर रहा हूँ जी ऊटी से एक टन तंबाकू का पत्ता मंगाया क्या हुआ आप तक आए नहीं रॉन्ग नंबर क्या हुआ अभी तक तो एकदम एक्टिव थी अचानक शर्माने क्यों लगी औरत शादी में सर झुका के शर्माती है और सुहाग रात को तन झुका के शर्माती है अच्छा हेलो सेंड वन लार्ज व्हिस्की विद सोडा ए दिस इज नॉट रूम सर्विस गुड इवनिंग सर मे आई हेल्प यू वी आर बिजी Do not give any phone calls till morning. Okay? Okay, sir. I'll give instructions to the operator. Have a nice sleep, sir. Good night, sir. Thank you. Haan. Okay. Hello. कौन सर? मिस्टर विशाल जो आपके होटल में ठहरे हैं, उन्हें कनेक्शन देंगे? Sorry, sir. उन्होंने सुबह तक डिस्टर्ब नहीं करने को कहा है. मेरा फोन एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. No, sir. We are very sorry. अर्जेंट है समझो. वरना तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. It's okay, but we cannot disturb the honeymoon couple. Bye. Hello. गड़बड़ अब इन बीवियों की जंग को कैसे रोके फ्लाइट पकड़ के चला जाओ तो डार्लिंग संगमरमर की मूर्ति लग रही हो तुम नशा चढ़ रहा है तुम्हें देख के लाइट ऑफ प्लीज रोशनी आ रही है पर्दे भी बंद कर दीजिए ना ओके अभी आया एक्सक्यूज मी यस विल यू प्लीज टेल मी द रूम नंबर ऑफ मिस्टर विशाल जस्ट वन अच्छा हमारा बेटा डैडी मेरा बेटा मेरा बेटा अर्चना एक्सक्यूज मी यहाँ खुले आम किस करना मना है लोग अनइजी फील करेंगे जरा कंट्रोल में रहिए थैंक यू बाय
चलो रूम में चलते हैं। हाँ उधर नहीं। क्यों? वहाँ कोई है। कौन? बाद में बताता हूँ, दूसरा रूम बुक करता हूँ, रुको। जिंदगी में फिर कभी आपको देख पाऊंगी इसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। आखिर इतने दिन तुम कहाँ थी, क्या हुआ था? उस दिन केस के सिलसिले में कोर्ट जा रहे थे तो कुछ गुंडों ने वैन पर अटैक करके मुझे और बेटे को किडनैप किया और वैन को ब्लास्ट कर दिया। क्यों? अगर एविडेंस को उड़ा दिया तो केस बंद हो जाएगा, तब भी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी आड़ में बचना चाहते थे। यानी ये दो साल मुझे और बेटे को उन बदमाशों ने बंदी बना के रखा। पिछले हफ्ते केस खारिज होने के बाद हम दोनों को छोड़ दिया। वो बदमाश अब कहाँ हैं? देश छोड़ के फरार हो गए हैं। आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा तुम नहीं जानती, ये समझ कर कि तुम मर गई हो। मैं हूँ रेखा, आप कहाँ हैं? यहीं बगल वाले कमरे में। फर्स्ट नाइट मेरे बगल में न रहकर आप टेलीफोन से चिपके हुए हैं, जल्दी आइए ना। ठीक है, आ रहा हूँ। कौन है? वापस आके सब बताता हूँ, यही रहना, मैं अभी आता हूँ। विशाल जी का रूम नंबर क्या है? उन्होंने दो कमरे बुक किए हैं। किस कमरे में है? सॉरी सर, मैं नहीं जानता। तो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, कोई और काम ढूंढो। अरे रामचरण, तुम यहाँ कैसे? अर्चना मैडम जिंदा है। हाँ, अभी अभी आई है। मिली थी? हाँ। दूसरी शादी की बात बता दी? नहीं, बाद में बताऊंगा। नहीं सर। क्यों? दो सालों से जुदाई का दुख सहकर बेचारी आपसे मिलने आई है, अब आप कैसे बताएंगे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है? सुनकर वो सह नहीं पाएंगी, हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले। सच बात है, वो बहुत ही सेंसिटिव है, तो रेखा को बता दूंगा। ये और भी डेंजर है। क्यों? वो तो सब कुछ जानती है ना। वो बेचारी कुछ नहीं जानती, आप फर्स्ट हैंड पति है, झूठ बोल के आपकी शादी करवाई थी। ये क्या, मैंने कहा था ना सच्चाई बताने के लिए। बता देते तो वो भी शादी नहीं करती और आप भी नहीं करते। वैसे वो फास्ट है, अगर सच्चाई जान गई तो झूठ बोलकर डबल शादी करने वाले नकली ऐसे कहकर पेपर में कुछ भी छपवा सकती है। इस हादसे को सहन करना मुश्किल है। सर 206 में जो है वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी बीवी नंबर 1 है। वो आपको बुला रही है। ठीक है सर। रूम नंबर 306 में जो है वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी बीवी नंबर 2 है, वो भी आपको बुला रही है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, यार बताओ मैं किधर जाऊं? किसी के पास बच जाइए, तीसरा रूम लेके आराम की। बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2 के बीच सैंडविच होने से बच जाएंगे। एक म्यान में दो तलवार, दिल धड़क रहा है। डबल धड़कना चाहिए, एक तरफ बीवी नंबर 1 और दूसरी तरफ बीवी नंबर 2। सर कितनी बार कह चुका हूँ, आपके बच्चे की माँ बुला रही है। अच्छा आ रहा हूँ, चलो। सर मून गायब होके सन निकलने का टाइम हो गया, आपकी हनीमून वाइफ बुला रही है। भगवान रक्षा करो मेरी। क्यों जी, कहाँ गए थे? सुबह होने वाली है। तुम्हारी सुबह हो गई, मेरा दिल तो ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया यानी? यानी सडनली हमारे एसपी साहब आ गए। आ गए तो क्या हुआ, आप तो छुट्टी पर हैं। वो अमेरिका से क्लिंटन साहब आने वाले हैं ना, इसलिए इमरजेंसी ड्यूटी लग गई है। ये लो एसपी साहब का ही फोन होगा। सर मैं रामचरण हूँ। नमस्ते सर, बोलिए। मुझे नमस्ते, ये क्या सर, मैं आपका हेड कांस्टेबल। टेररिस्ट यहाँ पे, पकड़ना होगा। टेररिस्ट पकड़ना होगा? ये क्या सर, मैं रामचरण हूँ। अर्चना मैडम कब से आपको लॉबी में ढूंढ रही हैं। यस सर, उन टेररिस्ट के पास लेटेस्ट हथियार हैं सर, पर मेरे पास तो AK-47 भी नहीं है। AK-47? बाप रे, दो बीवियों के चक्कर में लगता पागल हुए। राइट, आज की रात हमारी फर्स्ट नाइट है, दोनों फुल मूड में भी हैं। इस वक्त आपका बुलाना। क्या फुल मूड, लगता है बीवी नंबर 2 ने जकड़ लिया। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ सर। आप कहाँ जा रहे हैं? वो उस टेररिस्ट को पकड़ने, और कहाँ? अभी बुलाया है। अर्जेंटली बुलाया है, मैं सब सेटिंग करके जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपसेट मत होना डार्लिंग, ओके? ये क्या हो रहा है? क्या? 2 साल बाद आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, कितनी बेताब हूँ, तुम 2 मिनट भी मेरे साथ नहीं रहे हो, चले गए। किडनैप हो गया है, एसपी साहब आए थे। किसका? शाहरुख खान का? नहीं यार, आमिर खान जी का, अर्जेंट केस है। 1 महीने के लिए नो केसेस, ओनली किसेस। तो ठहरो, मैं जाके छुट्टी का चक्कर चलाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। व्हाट सर? ये 5-स्टार होटल है, आप उस कमरे में एक को इस कमरे में दूसरी को रखेंगे तो नहीं चलेगा। फिर कोई तीसरा रूम देंगे? सॉरी, यहाँ 2-2, 3-3 कमरे नहीं देते। अरे मगर आपको तो पेमेंट से मतलब है ना, कस्टमर चाहे कुछ भी करे। ओ मिस्टर, यहाँ पर फैमिली वाले आते हैं। अरे इसीलिए तो फैमिलीज लेके आया हूँ। देखिए आप जैसे 2-in-1 पार्टीज के लिए दूसरे टाइप के होटल से वहाँ जाइए। अच्छा तो ठीक है। जी, पुलिस की नौकरी एकदम बोरिंग है, रिजाइन करके मुंबई की चौपाटी पर वड़ा पाव और भेलपुरी बेचना अच्छा है। क्या हुआ? क्या बताऊँ, बॉस को कहा कि हमारी फर्स्ट नाइट है, नहीं सुना, कहने लगे अभी का अभी जाकर टेररिस्ट को पकड़ो। यानी हमारी फर्स्ट नाइट नहीं होगी? फर्स्ट नाइट क्यों नहीं होगी, बहुत सारी नाइट्स हैं। ए रामचरण इधर आ। सर मैडम का सामान उठाओ। जी अच्छा।
तुम उसके साथ घर चले जाओ, मैं उस टेररिस्ट का बाजा बजा के 2-3 दिन में आ जाऊंगा। मेरी मत मारी गई थी जो पुलिस वाले से शादी की है। मम्मी भूख लग रही है। ठीक है रुको, नीचे जाके कुछ ले आती हूँ। कमरे में तो ठंडे पड़ गए थे, लिफ्ट में मूड कैसे आ गया? तुम जा रही हो ना, मूड को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो रुक जाऊं? मर गया। नहीं नहीं जा, जा। हेलो हेलो, हम कमरा खाली कर रहे हैं। कौन सा क्या हमारा? फिर 206? 206 किसका है? अरे 206 एसपी साहब का है यार, वो कमरा भी खाली कर रहे हैं। आइए मैडम, गाड़ी तैयार है। आ, चलो, 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 आप जल्दी आइएगा। बच्चे यार, एक बोझ तो उतरा। ये क्या तुम भी सामान पैक कर रही हो? तुम भी याने? और भी कोई पैक कर रहा है क्या? हाँ वही मेरे बॉस यानी एसपी साहब, उन्होंने भी अभी भी सामान पैक किया था, इसलिए हाँ कह रहा हूँ। हम घर चलते हैं। क्या अभी? वो भी अभी अभी गई है। वो कौन? वही मेरे बॉस। गई है कह रहे थे? नहीं ई नहीं या गया। टेंशन में क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन किस लिए? तुम जो आ गई ना। मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे आने के बाद उस ऑफिसर का आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है चलिए। अर्चना 2 दिन ठहर के जाएंगे ना? आपको देखने की जल्दबाजी में माँ और बाबूजी से ठीक से बात भी नहीं कर सकी, 2 दिन उनके साथ रहकर फिर आ जाएंगे। 206 चेकआउट। थैंक यू सर, मेहरबानी करके आइंदा कभी हमारे होटल पे 2-2 फैमिलीज को लेके मत आइएगा प्लीज। ओके जरूर आऊंगा, कहने की क्या जरूरत है? क्या कह रहे हैं ये? कुछ नहीं, कह रहे हैं कि इनके होटल का बिजनेस बहुत डल है, इसलिए अगली बार भी यहाँ आइएगा, हैवी डिस्काउंट देंगे। तुम चलो। अच्छा फिर मिलेंगे। एक्टिंग खूब कर लेते हो। बाय। आप सब इतने सीरियस क्यों हैं? बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? हमें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ? हमें क्या होगा? अच्छा अच्छा, हमारे सफर के बारे में चिंता कर रहे होंगे, है ना डैडी? हाँ हाँ बेटे। संदीप जी, संदीप जी। अरे दामाद बेटे, इतनी जल्दी आ गए? अर्जेंट काम था इसलिए आ गए। तो फिर मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी कॉन्वेंट गई। कॉन्वेंट? किस लिए? किस लिए क्या, पढ़ने के लिए। ये कौन है? इसका ससुर दूर के, बड़ी दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के कैसे? बहुत ही नजदीक के। मेरी माँ के भाई के बाबूजी के छोटे साले के साले का भाई हो, नजदीकी कैसा? हाँ कह दो, इतने दूर का रिश्ता है। आपके हिसाब से ये इनके ससुर कैसे लगेंगे? बड़े मामा लगेंगे? दोनों ना ससुर ही हूँ। लगता है बिहारी भाषा के ससुरा कहीं का को ससुर कह रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये हमारे घर कभी नहीं आए। वो आपके जाने के बाद एक मजबूर सिचुएशन में रिश्ते को जोड़ना पड़ा मैडम। बेटी सफर में थक गई होगी, चलो नहा लो जाओ। आ जाओ। विशाल बेटे ये सब क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी जेब में है। हाँ ले लो ले लो, मेरी बेटी एक ही रट लगा रखी है, आपकी बेटी को सही सलामत होटल में रखा है। मेरी बेटी होटल में है तो फिर ये कौन है? आपकी बेटी की सौतन। उस दिन नाना करने पर भी शादी कर दी, अगर सच्चाई रेखा को बता देते तो आज ये डबल मुसीबत तो नहीं झेलनी पड़ती ना। जो होना था सो हो गया, दुखी क्यों होते हो? आगे जो होना उसकी सोचो। 2 साल कितने कष्ट सह के बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ वापस आई है मेरी बेटी, तुम उसका दिल मत तोड़ना। याने मेरी बेटी का दिल टूट जाए उसकी कोई परवाह नहीं। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। आपका मतलब तो एकदम साफ है, आपकी बेटी को न्याय दिलाएंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा? नहीं मेरा मतलब छोटा सा पॉइंट है सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या है कि आपकी बेटी को न्याय दिलाएंगे तो उनकी बेटी का अन्याय होगा, उनकी बेटी को न्याय दिलाएंगे तो आपकी बेटी का अन्याय होगा, अगर दोनों को न्याय दिलाए तो आपके बेटे का अन्याय होगा। भगवान अब मेरी बेटी का क्या होगा? अरे तुम रोते क्यों हो? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या मेरा पड़ोसी रहेगा? ऐसा कुछ होगा ये जानकर शायद ऊपर वाले ने आपकी बेटी की सुहागरात ही नहीं होने दी। क्या आखिर मेरी बेटी को वो सुख भी नहीं मिला? शुक्र कीजिए वो सुख उसे मिलता तो आज आप दुखी होते, अब तो सुहागिन होकर भी कुंवारी है वो, इसलिए दूसरी शादी कर सकते हैं आप। क्यों मजाक कर रहे हो? एक बार मंगलसूत्र पहनने के बाद उसे कौन शादी करेगा? हनीमून के बाद भी वो कोरी कन्या है, कौन यकीन करेगा? तो मैं क्या करूं? एक पत्नी के 2 पति हो तो जुर्म है, लेकिन एक मर्द की 2 बीवियां हो तो नहीं। सो दोनों के साथ जिंदगी गुजारूं? हरगिज नहीं। सच्चे दिल से मैंने प्यार किया है, शादी की है और बिस्तर बांटा है तो सिर्फ अर्चना से, वही मेरी पत्नी है। मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या? अगर वो अर्चना नहीं आती तो मेरी बेटी के साथ जिंदगी नहीं गुजारते। नहीं आती तो दूसरी बात है, आ गई तो अब क्या करूं? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत होगी, वो भी अर्चना। मेरी बेटी के साथ नहीं रहोगे? नथिंग, कबाब में हड्डी, एक दुगा तो नानी याद आ जाएगी।
समझी जी, ये सब क्या है? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेंगे, जीते जी उसे लाश बना देंगे क्या? सुनिए, आप रो के हमें हंसाइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सुनो बेटे, अगर किसी को भी सच का पता चला तो खतरा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए दोनों को अलग अलग रख के मैनेज करो। बाद में मौका देके उन्हें बता दो, वो खुद फैसला कर लेंगी। आइडिया अच्छा है। ठीक है, एटलीस्ट उसके बाद मेरी बेटी के साथ रहेगा ना? बेशक रहना होगा, पहले इसके जोश को ठंडा करके दोनों के साथ घूमने फिरने देंगे तो बीवी नंबर वन और बीवी नंबर टू की गाड़ी अपने आप पटरी पर आ जाएगी। यानी आज से हमारे सीआई साहब टू इन वन है। नहीं, वन बाई टू। ये है हमारा प्रेम का मंदिर, कैसा है? वेरी गुड, लेकिन हमारे लिए अलग से क्यों? देख बेटा, तू अंदर जा कमरे में। दो साल के बाद हम दोनों अपने रोमांस की रीओपनिंग कर रहे हैं ना, चीखो चिल्लाओगी तो बुड्ढे घबरा जाएंगे। यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हारी ये शरारत अच्छी लगती है। सुनिए, आज से मैं नौकरी नहीं करूंगी। क्यों? आप देश की सेवा कीजिए जनाब, मैं आपकी सेवा करते हुए पुराना हिसाब चुकता कर दूंगी। डार्लिंग, एक गाड़ी को तो पटरी पे लगा दिया, अब नंबर दो को लगाना है। हेलो एवरीबॉडी, जेल में हम दोनों एक साथ सजा काटते हुए जिगरी दोस्त बन गए। हमारी ये दोस्ती जेल के बाहर भी कंटिन्यू रहनी चाहिए भाई। जरूर रहेगी भाई। अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? आज तक मैंने कई क्राइम किए मगर एक बार भी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़ा, लेकिन इस बार गुंडागर्दी को चुनौती देकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने मुझे जेल भिजवा दिया। उसके पति को खत्म कर दूंगा, उसके बाद उस लौंडिया रेखा को उठाकर जबरदस्ती उससे शादी कर लूंगा। तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? शादी के मंडप में मेरी इज्जत निकाल के शादी रोकने वाली और मेरी मर्दानगी को खुलेआम चुनौती देने वाली उस लौंडिया से बदला लेना है, उसे फिनिश करना है। रामचरण जल्दी करो, टाइम हो रहा है। यस मैडम। रेखा, ये सब क्या है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्यों? हमारे स्वागत में प्रॉब्लम्स हैं। हनीमून पे एसपी साहब का प्रॉब्लम और यहाँ मुहूर्त का प्रॉब्लम। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये घर ठीक नहीं, इसके बेडरूम के वास्तु में प्रॉब्लम है। इस जन्म में यहाँ फर्स्ट एंड नहीं होगी, ऐसा पंडित जी ने कहा था, इसलिए दूसरा बढ़िया फ्लैट वाली हिल। वही सर, नंबर वन फ्लैट। नंबर वन फ्लैट क्या है? वो चौकी नंबर वन के पास है। इतने गंदे फ्लैट पूरे शहर में कहीं नहीं है और वो एरिया भी अच्छा नहीं है। अरे बस कीजिए, एरिया बहुत ही बढ़िया है, वो इस शहर के द बेस्ट फ्लैट्स हैं। लेकिन जानती हो, वहाँ हमेशा गड़बड़ होती रहती है, गुंडागर्दी भी बहुत होती है। पुलिस ऑफिसर होकर गुंडों से आप डरते हैं? आपको गुंडों से डर नहीं है, बीवियों से है। बीवियों से? मतलब पुलिस गुंडों के लिए पति जैसे है ना, तब गुंडे पुलिस की बीवियां तो हुई ना। वही तो कह रहा था। बढ़िया मैनेज किया। मैनेज किया? इसने भूल से मैचिंग के बदले मैनेज बोल दिया। रेखा, हम किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होंगे। नो, वो फ्लैट मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बारे में आप कुछ भी कहिए नहीं सुनूंगी। चलिए। यार ये सब क्या हो रहा है? फ्लैट्स में बीवियों की फाइट, अपार्टमेंट में क्लाइमेक्स। आप आखिर तू भी तो कुछ कहकर रोक सकता था ना, और ये बुढ़े लोग कहां मर गए हैं? अरे ये कहां जा रहे हैं ऐसे कपड़े पहन के? यहाँ रह के तुम्हारी टेंशन देखेंगे तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए हम काशी यात्रा करने जा रहे हैं। काशी चलना है? नहीं, फ्लैट पे। इस बीवी नंबर टू को उस बीवी नंबर वन के पास कैसे ले जाऊं? ये जानते तो हम लोग इस काशी यात्रा का निर्णय क्यों लेते। ये भी गेटअप चेंज करके काशी आ जाएंगे। हमारे इंस्पेक्टर साहब को इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर की तरह छोड़ कर जा रहे हैं। सर, दूसरा चारा भी तो नहीं। टू इन वन का है चक्कर, बात बात पे है टक्कर, बात बात पे है टक्कर, कह के गाते जाइए सर। सामान सारा ऊपर ले आइए, चलिए ना। हेलो, सुनिए, आप यहीं रहते हैं? ठीक तो है ना? क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? मैडम, ये तो अभी तक बैचलर है। रेखा, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नो नो, बहुत पहुंची हुई चीज है। पत्नी के रहते हुए भी शादी नहीं हुई कह के झूठ बोलकर कई बार शादी की है इस कमीने ने। कहावत है ना, 100 झूठ बोल के एक शादी करो, उस कहावत को ये उल्टा समझा होगा। एक झूठ बोल के 100 शादी करनी चाहिए होगी। इसीलिए 2 साल जेल भिजवा दिया। ये खबर अखबार में भी छपी थी, टीवी के सारे चैनल पे दिखाया था। सारे चैनल पे थोड़ी दिखाया था, सिर्फ केबल पे दिखाया था। सुन लिया? फिर कोई बदमाशी तो नहीं की? अब क्या बदमाशी करेगा, बूढ़ा घोड़ा घास चल रहा है। सुनिए, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, और एक्सपोज मत करो। बॉस। हाँ क्या बॉस? आप शादियों पे शादी करते जा रहे हैं ना, तो एक दूजे को बताए बिना सब लोगों के साथ कैसे मैनेज करते, जरा विस्तार से बताएंगे। ये क्यों पूछ रहा है? कैरेक्टर हमसे मिलता जुलता है ना सर, इसके सीरियल के सीन हमारे काम आएंगे। बड़ा आया, चल चल। आप चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। सर, जरा केयरफुली मैनेज करना। रुक क्यों गए, चलिए ना। हाँ आया, आया। कौन सा फ्लोर है?
थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। कोई बात नहीं, आइए। ये क्या, ऐसे जंप किया? नया फ्लैट है ना, नई स्टाइल की एंट्री होनी चाहिए। कम ऑन। फ्लैट कैसा लगा? ची 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 ची, एकदम बेकार है, दूसरा फ्लैट देखते हैं कोई। आपको जरा भी टेस्ट नहीं है, है? कितना अच्छा व्यू है, आपको नहीं जमा? मुझे तो बहुत पसंद आया। और फिर वास्तव में बहुत बढ़िया है। नहीं रेखा, चुपचाप जाकर सामान ले आइए। ठीक है। डैडी। अरे डैडी आ गए। ए तू अंदर जा, मैं आता हूँ। ये क्या, वहीं रुक गए? और ये सामान सब क्या है? ये सब तो हमारे घर में है ना, फिर क्यों खरीदा? क्यों जी, ये कौन है जी, ये कौन है जी? बोलते क्यों नहीं, कौन है ये? आखिर तुम कौन हो? मैं इनकी पत्नी हूँ। क्या, मेरे पति की तुम पत्नी हो? तुम्हारा पति? ए, दिखाई नहीं देता तो चश्मा पहनो, ये मेरे पति हैं। देखो, मेरे पति को तुमने अपना पति कहा तो बत्ती से तोड़ दूंगी। मेरे पति को तूने अपना पति कहा तो बत्ती से मैं तोड़ दूंगी, खून पी जाऊंगी। ये मेरे पति हैं। नहीं, ये मेरा पति है। मेरे पति है, मेरा पति है, मेरे पति है, ये मेरा पति है। तेरा पति कैसे हो सकता है यू फूल? अगर ये तेरा पति है तो सबूत दिखा। मैं कहती हूँ दिखा सबूत, दिखा। चाहो तो देख लो, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है। उसे खुद तुमने पहना होगा, इन्होंने मुझे पहनाया था। और चाहो तो हमारे प्यार की निशानी इस बच्चे को देखो। क्यों जी, इसने जो कहा सच है? देखो, तुम अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। क्यों जी, मुंह में जो आ रहा है बक रही है, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने के लिए वो तेरा पति हो तब ना। ये मेरी पत्नी है। वो आपकी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? नहीं जानते कौन हूँ? अगर जानता तो पूछता क्यों? इतनी तेजी से अंदर गई है, उससे मैं आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? मैं कौन हूँ नहीं जानती तो मेरे साथ कैसे रहे? बच्चे को कैसे पैदा किया? ये फोटो कैसे खिंचवाए? क्यों जी, ये सब क्या है? उससे शादी की, बच्चा पैदा किया और मुझसे दूसरी शादी की? देखो, तुम होश में तो हो? दूसरी शादी कैसे बातें कर रही हो? नहीं की तो ये फोटो कैसे? वो फोटो मेरी नहीं है। क्या कहा, इन फोटो में आप नहीं है? 100% नहीं। हम दोनों अलग अलग हैं। चाहे तो देखिए, आपके पति का चश्मा नहीं है, मुझे है। आपके पति के कान में वाली है, मेरे नहीं। चश्मा लगाकर बाली निकाल दी होगी। जूता मारूंगा बीच में एंट्री ली तो। मैं बाय बार चश्मा लगाता हूँ और कानों में बाली नहीं है। ये सब गोलमाल आपने कहाँ से सीखा है जी? आपको धोखा देने की जरूरत क्या है मुझे? आपका पति मुझे साबित हो सकता है? यानी ड्यूअल रोल हो सकता है? यानी आप मेरे पति नहीं है? अगर मैं कबूल करूंगा तो आपका असली पति आत्महत्या कर लेगा? इसका पति नहीं, पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। चलिए। ये कौन है जी, कदम रखते ही इतना बड़ा झटका दे दिया? जानता था ऐसा झटके आएंगे, इसलिए इस फ्लैट में आने को मना किया था। अब तो सब जान गए कि आप कौन हैं। आज के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा ठहरो, मेरा दिमाग गर्म हो गया, नहा के आता हूँ। वही तेरे पति हैं क्या? जी हाँ। वो तो ना कह के डुअल रोल कह रहा था। यही तो समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी। अरे बबुआ। क्यों अर्चना, कोई मीटिंग वीटिंग चल रही है क्या? मीटिंग नहीं बबुआ, छोटी सी शूटिंग, एक्सीडेंट हुआ था। कैसा? सुनिए, हमारे सामने वाले फ्लैट में एक कपल रहने को आया है, उस औरत का पति एकदम आपके जैसा है। अरे ऐसे क्या देख रही है, ये आपके पति नहीं है, मेरे पति है। नमस्ते मैडम। अरे चश्मा लगाएंगे तो मेरे पति जैसे ही लगेंगे। ठीक कहा, आपके पति ने कहा था ना ड्यूअल रोल। सुनिए, सच्चाई जाने बिना आपको भला बुरा कहा, सॉरी। कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं होती तो भी ऐसा ही होता। एक बार आपके पति को बुलाइए ना, मेरे पति से उनका परिचय कराते हैं। हा? जी अच्छा। अरे अरे आप मत जाइए, मैं जाके सडन सरप्राइज देके आता हूँ। ओके। अरे हम दोनों एकदम जुड़वा भाई जैसे हैं। Really, it is a wonder. You are correct. अगर हम कहें कि दोनों जुड़वे हैं तो लोग आसानी से यकीन कर लेंगे। आपको देखने से ऐसा लगता है जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ। राम और श्याम, करण अर्जुन, हेलो ब्रदर जैसे, हम दोनों ब्रदर्स लगते हैं। ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं शैतान चौकी में सर्कल इंस्पेक्टर हूँ, और आप क्या करते हैं? देखिए ना, इत्तेफाक से मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही हूँ, आपकी तरह मैं भी सर्कल इंस्पेक्टर ही हूँ। इन दोनों की शक्ल ही नहीं, नौकरी भी एक जैसी है। दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है थिएटर के बजाय हेलो ब्रदर पिक्चर यहीं पे देख रही हो। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, कभी कभार हम दोनों इसी तरह मिला करेंगे।
क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अर्चना एकदम मेरी तरह है। बहुत ही थ्रिलिंग है ना जी। हाँ बहुत, रियली इट्स थ्रिलिंग। बाय मिस्टेक जो कुछ भी कहा उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। छोड़िए भी, अब वो सब भूल जाइए, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। थैंक यू अर्चना, चलो ओके फिर मिलते हैं। चलो भाइयों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, डबल रोल सिनेमा खत्म हो गया, चलो निकलो। आप दोनों जुड़वे तो नहीं है, फिर आप दोनों एक जैसे कैसे हैं? हाँ मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। कहीं आपके डैडी और उसकी माँ के बीच कोई? नहीं नहीं, मेरे डैडी ऐसे आदमी नहीं है। नहीं तो उसके डैडी और आपके माँ के बीच कोई? देखो ये सब बकवास बंद करके नाश्ता बनाओ, बहुत भूख लगी है। दो मिनट में लाती हूँ, बैठिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से टेस्टी बनाना, इतने में नहा के आता हूँ। अभी तो नहा धो के उसे बात कर रहे थे, फिर से बाथरूम क्यों गए थे? वो नल बंद करना भूल गया था, बंद कर दिया। ऑफिस का टाइम हो गया है, तुम सामान को ठीक कर लेना, मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा क्यों डार्लिंग, नाश्ता तैयार है? हाँ गर्मा गर्म तैयार है। सुनिए मुन्ना जू जाने के लिए कह रहा है। क्यों बेटे, जू देखोगे? हाँ डैडी। 2 बजे तक तैयार रहना, ड्यूटी खत्म करके मैं आ जाऊंगा। फिर ड्यूटी पे जाएंगे, अभी तो आए हैं। आज से 2-2 शिफ्टें करनी पड़ेंगी, काम ज्यादा हो गया है। हेलो हेलो, मैं हूँ। हेलो अर्चना। अर्चना, ये अर्चना कौन है? अर्चना तुम्हें नहीं कहा, यहाँ हमारे स्टेशन पर पंडित जी पूजा पाठ कर रहे थे। अर्चना यानी पूजा पाठ, ये बताओ तुमने फोन क्यों किया? अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी, सामने वाली अर्चना के पास जाना चाहा, तो वो अपने पति के साथ जू देखने जा रही है। हाँ मालूम है। आप कैसे जानते हैं? उनके पति ने बताया था। हम भी चलें? आज नहीं फिर कभी चलेंगे, आज मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट है। समझ गई, मुझसे बढ़कर है वो आपके लिए। वो कौन? वही आपकी नौकरी, उसके लिए डे एंड नाइट मेहनत करते हैं, मेरे लिए हाफ डे भी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है मगर कुछ नहीं सुनूंगी, बोलिए आएंगे या नहीं? जब तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो कैसे नहीं आऊंगा, आऊंगा। अच्छा तो एक काम कीजिए, मैं 3 बजे जू के पास वेट करूंगी, आप ऑफिस से सीधा वहाँ आ जाइए। ठीक है। क्यों सर, फिर कोई प्रॉब्लम? हाँ यार मेरी जान जा रही है। यानी इसका मतलब है अकलमंद आदमी को 2-2 बीवियों को गले नहीं बांधना चाहिए। पहलिया छोड़ो सलाह दो। अरे रेखा कहती है जू देखने चलना, अर्चना भी वही कहती है, तुम होते तो किसे ले जाते? ये क्या कह रहे हैं सर, भला आपकी पत्नी को मैं कैसे ले जाऊंगा? अबे तुझे ले जाने को नहीं कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम तेरी होती तो क्या करता ये पूछ रहा था। अगर मैं होता तो अकेला जू देखने जाता और शेर के मुंह में सरक के मर जाता। याने मुझे मरने को कह रहा है? आपकी बार नहीं, एक काम करिए सर, नंबर 1 बीवी थोड़ी सॉफ्ट है सो उन्हें छोड़कर नंबर 2 बीवी जो कि फास्ट है उन्हें ले जाइए जू। अच्छा देखो तुम नंबर 1 को फोन करके कह दो कि साहब काम से बाहर गए हैं, कह रहे थे कल ले जाएंगे, मैं नंबर 2 को मैनेज कर लूंगा। ओके सर। क्यों जी कहाँ जा रहे हैं? वही जू, जू, जू देखने। तो ऑटो में चलते हैं, चलिए। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? सर नंबर 1 के घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। नमस्ते मैडम, आप यहाँ कैसे? ये नंबर 1 क्या है? वो क्या? एक पुलिस चौकी है, घर पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ क्यों आई? ऐसे ही जू यहाँ से पास है ना, आप यहाँ से घर आते वहाँ से जू जाते तो टाइम वेस्ट होता ना, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया मैडम, ये टाइम सेंस अगर इंडियन रेलवे को होता तो हम अमेरिका को मात दे देते। चलिए। अरे नमस्ते। नमस्ते, आप भी जू देखने आई हैं? जी हाँ उन्हीं का इंतजार कर रही हूं। कह रहे थे शायद नहीं आ पाएंगे, कोई जरूरी काम है उन्हें। आएंगे कहा तो कैसे नहीं आएंगे? तुम रुको ना, मुझे निराश नहीं करेंगे, वो जरूर आएंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं, सब मिलकर ही जाएंगे। हाँ देखो वो अपने पति के लिए वेट करती हैं तो करने दो, हमारे वेट करने से क्या होगा। आप जाइए मैं वेट करती हूँ। ठीक है। अच्छा चलते। हेलो रेखा। हाय जीजा जी, कैसे हैं? अब क्या बताऊं, तुम मुझे मिस करके दूसरे की मिसेज जब से हुई हो तब से पार्वती बिना देवदास, लैला बिना मजनू जैसा ढीला पड़ गया हूं। ये बताओ तुम कैसी हो? आई एम वेरी हैप्पी। चलो अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा तुम्हारे पति कहाँ? उन्हीं के लिए वेट कर रही हूँ। हाय डार्लिंग, जिस तरफ से भी आऊँ तुम्हारे पास आता गया हूँ ना। रेखा ये तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ, सुनिए ये मेरे जीजा जी हैं। हेलो। रेखा इस शादीशुदा आदमी से तुमने क्यों शादी की? शादी हो गई यानी? हाँ, इसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, इसकी पहली बीवी इंस्पेक्टर है। हंस क्यों रहे हैं? अरे इन्हें भी तुम्हारी तरह गलतफहमी हुई है, अर्चना का हस्बैंड समझ रहे हैं मुझे। अर्चना का पति
वो कौन? सामने वाले का पति? सामने वाली कौन? सामने वाले की पत्नी। ए, मुझे कंफ्यूज मत कर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनके जैसे ही एक और आदमी है, वो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। मेरा यकीन करो रेखा, इसकी बीवी नंबर वन भी है। शुक्र है तुमने इस पर दूसरे पति का इल्जाम नहीं लगाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अभी अभी वो अंदर गए हैं, जाकर देख लो। ए, सुनो, बाद में देख लेंगे, लगता है किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा बाद में मिलते हैं भाई साहब, बाय। जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाता हूँ। बेटे ये है गेंडा, ये रोज हार्लिक्स पीता है। क्यों? तो फिर इतना मोटा कैसे है? नॉटी बॉय, चलो डैडी के पास चलते हैं। अरे कहाँ गए? मेरे पति अलग हैं, उसके पति अलग। नो चांस मैडम। फिर वही बात। मैडम गुस्से में आए बिना मेरी बात सुनो, तुम्हारा पति और रेखा का पति एक ही है, डबल रोल में दिखाई दे रहा हूँ ना। हम दोनों जब एक जैसे हैं तो एक जैसे नहीं दिखेंगे, तो क्या अलग अलग दिखेंगे? नहीं, तुम सिंगल होकर डबल रोल कर रहे हो। ओफो, तुम्हें और क्या प्रूफ दूं? देखो मेरे पति के कान में बाली है, उसका पति चश्मा पहनता है। आप तो एकदम भोली भाली है, जो चमकता है वो सोना नहीं होता। अगर तूने ज्यादा बकवास की तो बत्ती से तोड़ दूंगा। कुछ भी कर लो, तुम्हारा तो डबल एक्शन है। ये ले सुपर एक्शन। एक और दांत। मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। फर्स्ट नाइट मनाएंगे कह के रात को बिना एड्रेस दिए गायब हो गए, कितना दुख हुआ जानते हैं? एड्रेस के बिना जाता तो दुख होता, एड्रेस के बिना जाने में भला दुख की क्या बात? मजाक छोड़िए, सारी रात मैं सो नहीं पाई जानते हैं। मैं होता तो भी तो सोने नहीं देता। हाँ आप तो सिर्फ बातों से बहलाते हैं, मगर मेरा एक एक पल बड़ा मुश्किल से कटता है। मैं ऑफिस में हूँ। आप तो घर पे हैं, ऑफिस कह के झूठ क्यों बोल रहे हैं? रात को नाइट ड्यूटी थी, उसे छोड़कर तुम्हारी ड्यूटी करने आ गया। अगर जान गए कि घर पे हूँ तो फिनिश। फोन पे कौन है? चौकी नंबर वन से एसपी साहब। हाँ बोलिए सर। ये सर क्या लगा रखा है? होम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट देनी है ना। सुनिए कम से कम आज तो फर्स्ट नाइट मनाएंगे ना। ट्राई करता हूँ। ट्राई करेंगे मतलब? अरे उसका मुहूर्त भी तो निकालना पड़ता है। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, पंडित जी कह रहे थे। हाँ यानी? रेखा किसके मुहूर्त की बात कर रही हो? हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। हाँ क्या कह रही हो, अभी तक फर्स्ट नाइट नहीं हुई? उन्हें नहीं दिया। किसने? मेरे पति ने, वो अलग टाइप के हैं, शास्त्र मुहूर्त पर भरोसा करते हैं। कहीं बीवी नंबर टू का चक्कर तो नहीं है? जी नहीं, वो ऐसे वैसे आदमी नहीं है। वैसे सच कहा जाए तो मॉडर्न श्रीराम है, मर्द दिखने में तो ऐसे ही लगते हैं। सुनो अर्चना, वो सब उनके प्राइवेट मैटर्स हैं, लगता है किसी काम से आई हैं, पूछ तो लो इनसे। कपड़े इस्त्री करने हैं। आपकी इस्त्री देंगी? जरूर अभी लाई। हेलो हेलो, सुनो कल सुबह 9 बजे तक कोर्ट पहुंचना है, मैं आ जाऊंगा। हाँ भूल मत जाना। हेलो ओके, ऑनलाइन सर्विस प्लीज ट्राई आफ्टर वन डे। हाँ वकील साहब से मैं बात कर रही हूँ। सुनाइए ये सब क्या है जी? क्या लोकल कॉल किया तो ट्राई आफ्टर वन डे कह रहे हैं? कौन? ये टेलीफोन वाले। वो हो, उनका काम ही ऐसा है, वहाँ ऐसे रिकॉर्डेड टेप चलता रहता है। ये लीजिए। थैंक्स। ओके नमस्कार, चलती हूँ। ठीक है घर में कोई नहीं, और कुछ चाहिए तो बताइएगा। मुझे लगता है ये जरूर कुछ छिपा रही है, बेशक इसके पति की जिंदगी में बीवी नंबर टू होगी। सच कह रही हो? बिल्कुल, उसकी शक्ल देखकर हमेशा शक होता है मुझे। मेरी जैसी शक्ल तो है उसकी। छी छी, आपकी और उस बदमाश की शक्ल में बहुत फर्क है। देखो पति को बदमाश करके गालियां मत दो, पाप लगता है। मुझे क्या लगेगा, मैंने तो उसके पति को कहा है। पति तो सबका पति ही होता है ना। कैसे? ऐसे ही, जाके चाय लो। चलो ये चाय का टाइम है, खाना लगाती हूँ। चलिए बैंगन की सब्जी आपको पसंद है ना? ठीक है खा लेते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। इसका पति उसके फ्लैट में घुस रहा है? यही तो हेलो ब्रदर की स्टोरी है। अरे तुम, स्टोरी क्या है? नहीं जानते? नहीं। वो दोनों बीवियों के लिए जॉइंट पति है। एटलीस्ट आज तो फर्स्ट नाइट। एक हफ्ता और ठहरने के लिए कह रहे हैं एसपी साहब। हमें रोकने वाले वो कौन होते हैं? अरे वो मुहूर्त वगैरह अच्छा देखते हैं, मैंने पूछा तो बताया था। आपकी बातों से मुझे शक हो रहा है। सुनिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट रेखा, तुम ये शक मन से निकाल दो। बस एक हफ्ता वेट करो, सारी कसर पूरी कर दूंगा, बस अच्छे मुहूर्त का इंतजार है। ठीक है चलिए, बैंगन की सब्जी आपको पसंद है ना, इसलिए आज वही बनाई है। अरे तुमने भी बैंगन की सब्जी बनाई है? तुमने भी मतलब, और किसी ने भी बनाई है क्या? हाँ वो ऑफिस में हेड कांस्टेबल का वेडिंग डे था ना, वो खाने में बैंगन ही लाया था, इसलिए ऐसा कहा। यानी खाकर आए हैं? हाँ नहीं खाता तो उसे फील होता, इसलिए खा लिया। तो फिर खाने क्यों बैठे हैं? क्योंकि तुम्हें फील हो जाएगा ना। मेरी फीलिंग की फिक्र करते तो फर्स्ट नाइट कब की हो जाती। उठिए बात सुनो रेखा।
हेलो। हाँ मैं हूँ अर्चना, कहाँ है आप? यहीं पास में हूँ, बोलो। वो भास्कर और मुरारी दोनों खिड़की में से झांक झांक के देख रहे हैं, न जाने क्यों डर लग रहा है मुझे। आप जल्दी आइए। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। फिर कहाँ जल्दी है? ऑफिस से फोन आया था, जरूरी काम है, अभी आ जाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो डोर का कलर अच्छा है, वही देख रहे थे। अच्छा अच्छा। अरे बाप रे, ये बदमाश तो यही है, अब क्या करूं? अरे आप ऑफिस नहीं गए? जाने का मन नहीं हो रहा है। तो आइए, टीवी में क्रिकेट मैच चल रहा है, देखते हैं। अच्छा, कपड़े बदल के आता हूँ। अच्छा। देखो, नो डाउट, ये वही है, एकदम वही है, उधर शिफ्ट हो रहा है। तो देर किस बात की, आग लगा देते हैं। शुक्र है आप आ गए। वो दोनों रेखा के और हमारे घर के सामने क्यों चक्कर काट रहे हैं? मौत आई है। किसकी? उनकी। हाँ, दरवाजा तो बंद था, फिर आप कैसे आए? मैं दरवाजे से आता तो मुझे देख के भाग जाते, इसलिए पीछे से पाइप से चढ़ के मैं यहाँ आ गया। हाय जीजा जी, आप आइए। तुम इसे क्यों साथ लाए हैं? तुम्हें एक सच्चाई बताने के लिए। वो क्या? तुम तो समाज सेविका थी, कहा था कि एक पति की एक ही पत्नी होनी चाहिए, और औरत अबला नहीं सबला तबला कह के मेरी शादी रुकवा के मुझे जेल भिजवाया था ना। बोलो अब तुम्हारा पति कौन सा शरीफ है? उन्होंने क्या किया? आमने सामने दो बीवियों को रखकर एक की आंख बंद करके दूसरी के पास शिफ्ट बदल कर ऐश कर रहा है मैडम। उनके बारे में ऐसी बकवास की तो पत्ती सी तोड़ दूं। बिरला मंदिर की कसम रेखा, हमारी बात मानो, तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, सामने वाली का भी पति है। अभी हमारी आंखों के सामने उस घर में घुसा है, वो डबल गेम खेल रहा है। खेल? वो तो यहाँ घर पे ही है, और तुम कहते हो उस घर में है? घर में है मैडम, तो जरा बुलाइए उन्हें। सुनिए सुनिए, जरा यहाँ आइए, जरा यहाँ आइए। क्या है रेखा? सुना, ये क्या क्या बक रहे हैं? क्या? ये कहते हैं कि आप सामने के घर में घुसे हैं और आपकी दो पत्नियां हैं। क्यों बे? मेरी पत्नी तेरी पत्नी नहीं बन सकी। मेरी पत्नी ने तुझे जेल भिजवाया, इसलिए तुम दोनों हमारे बीच फूट डाल के हमसे बदला लेके हमारे फ्लैट में दरार डालना चाहते हो? जान से मार दूंगा। नहीं, हमारी बात। अब क्या है तुम्हारी बात? सके तो लोगों की जिंदगी सवारो, बर्बाद मत करो। चलो जाओ यहां से, जाओ। भिड़ो, ये सब क्या है? Something is wrong. उधर ट्राई करते हैं, चलो चला। क्या है? तुम्हें एक रियल स्टोरी बताने आए हैं। वो क्या? सामने जो रेखा रहती है, जानती हो वो कौन है? हाँ। कौन है? हमारी पड़ोसन। यही तो गलतफहमी है, वो तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, तुम्हारे पति की अर्धांगिनी है। यानी तुम्हारी? चाहो तो वहाँ जाके देखो, यहाँ जिसे रहना है वो वहाँ उसकी बगल में है। किसके बगल में है? उसके। भीड़ो, ये सपना है या सच? तुम अभी वहाँ। सच है, हमारी मेड फॉर ईच अदर जोड़ी को देख के बौखला गया है तू। इस जन्म में हम दोनों को तुम तो क्या, वो भगवान भी अलग नहीं कर सकता। अरे मर गया। ए, आइंदा फिर कभी ऐसी हरकत की तो जुबान काट के हाथ पर। ऐसे बदमाशों पे यकीन करोगी तो? भला क्यों करूंगी, आप क्या हैं, आपका कैरेक्टर क्या है मैं नहीं जानती, वो बदमाश सच भी कहें तो यकीन नहीं करूंगी। अरे फैंटास्टिक, बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, हमेशा इतने भरोसा करना मुझ पे। सुनिए सुनिए, कहाँ हैं आप? सुनिए, अरे आप यही हैं? हाँ, और नहीं तो पड़ोस में रहोगे क्या? छे, ऐसा क्यों सोचूंगी, यहाँ क्या कर रहे हैं? बस इस नेचुरल व्यू का जरा मजा ले रहा हूँ। तो जरा ठहरिए। अच्छा, कुर्सी लाती हूँ, यही बैठ के बातें करते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या करें बोलो? वो दोनों एक ही, अगर ये प्रूव कर दें तो अर्चना उसका खून करके जेल चली जाएगी, उसके बाद रेखा से मैं शादी कर लूंगा। जवानी का सपना क्या? नहीं, जवानी की जलन है, तुम कुछ भी करके उसका पर्दाफाश करो। फॉलो मी। सर पे चोट आई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम दोनों के रास्ते की अड़चन ये छोटा बच्चा नहीं, इसका बाप है। अरे वाह, जैसे मैं नहीं जानता, मुझे सब मालूम है, उसी के लिए अच्छा प्लान सोचा है। आखिर प्लान क्या है, साफ साफ बता। ये सीक्रेट है, अभी बता दूंगा तो लीकेज केस बन जाएगा।
कौन हो? वंजन बाबा। वंजन बाबा भविष्य में क्या होगा बताते हैं, तुम्हारी जिंदगी की मिठास खटास बताते हैं। मैं ऐसे ज्योतिष पर भरोसा नहीं करती। गुस्सा ना हो रेखा बहन। मेरा नाम कैसे जानते हो? वंदे अवतार बोला। तेरे पिता का नाम शिवराम है, तेरे पति पुलिस ऑफिसर है, शादी करके भी सुहागरात तक नहीं हुई। हाँ ये बात सच है, अंदर आइए। हाथ दिखाना बहन। बलीजी काल बबला भजी गोविंद, शीत काल देशी मुद्रा बद्रीनाथ कुतुब मीनार। लकीरें बहुत बढ़िया है बहन, लेकिन तकदीर ठीक नहीं, आंसुओं के दरिया में कदम रखा है। विस्तार से बताइए। तेरा पति भला है, दिलवाला है बहन, लेकिन फर्स्ट नाइट कहते ही। हाँ सच कहा, फुर फुर। कोई रास्ता है तो बताइए। फुर फुर फुर। देवी माँ का फोटो सामने रख के अपने पति को बगल में बिठा के 3 दिन लगातार बैठी रहो, चौथे दिन ही तुम्हारी फर्स्ट नाइट होगी। 1 महीने के अंदर ही तुम्हारे पांव भारी होंगे। वन देवता का आर्डर है, 3 दिन तक अपने पति को घर से बाहर मत जाने देना, अगर गया तो जान को खतरा है बहना। मेरी जान भी जाए उन्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, मगर एक बात बताइए, बाथरूम वगैरह जाना है तो? हाफ एन आवर तक, यानी आधा घंटा तक जा सकता है, उससे ज्यादा देर के लिए तुमने जाने दिया तो तेरा मंगल सूत्र कटा। नहीं, जैसा आपने कहा वैसे 3 दिन अपने ही सामने बिठाऊंगी उन्हें। हेलो, मैं हूँ अर्चना। मुन्ना गिर गया था, सर पे चोट आई है। गहरी चोट आई है? हॉस्पिटल ले गई थी, उसके सर पे 4 टाके लगे हैं। अर्चना मैं अभी घर आ रहा हूँ। सुनो मैं घर जा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो फोन करना। यस सर। सुनिए आप बिल्कुल ठीक है ना? शुक्र है, अब मुझे चैन आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ क्या बात है, जरूरी काम मुझे जाना है। आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ घर चलिए। किस लिए? आपकी जान को खतरा है, बाहर जाना एकदम मना है। किसने बताया? वंजन बवानी। चोर है, रुपए ऐंठने के लिए वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं जी, मुझसे उन्होंने 1 पाई भी नहीं ली। 3 दिन आप अगर मेरे आंखों के सामने रहेंगे तो खतरा टल के हमारी फर्स्ट नाइट भी हो जाएगी। देखो उनका यकीन मत करो। मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो भी बताया सच ही बताया। लेकिन वो आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आईंदा मांगूंगी भी नहीं, मेरी बात मान लीजिए प्लीज। आइए। हमारा प्लान सुपर हिट हो गया भिड़ू, अब ये 3 दिन तक उसे हरगिज नहीं छोड़ेगी। हमारे मुताबिक अगर ये एक ही है तो आज के बाद वो अर्चना का मुंह नहीं देख सकेगा, मजा आएगा। डैडी, मम्मी, डैडी आ गए। डैडी नहीं बेटे, अंकल। सॉरी रेखा, कोई बात नहीं। मुन्ना कैसा है? शायद चोट लगने की वजह से बुखार आया है। चोट लगी है ये आप कैसे जानते हैं? वो थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने पति को ऑफिस में फोन किया था, उन्होंने ही बताया। उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। आईजी साहब ने अर्जेंटली बुलाया, आने में देर होगी, आप घबराइए नहीं, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाइएगा। ठीक है, चलिए। घबराओ नहीं बेटे, ठीक हो जाओ। आप आइए। अब मुन्ना कैसा? बुखार ज्यादा हो गया है, मुन्ना उन्हें बहुत याद कर रहा है। ऑफिस में फोन किया तो कहने लगे कि कब के निकल गए हैं, पता नहीं अब तक वो क्यों नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप हिम्मत रखिए, मैं जाके उन्हें भेजता हूँ। उनके बेटे को बुखार है तो आप ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपके बेटे को है। बच्चा किसी का भी हो, बच्चा ही होता है, मैं जाके उन्हें बुला लाता हूँ। आप बाहर कैसे जाएंगे, जान को खतरा है ना? बच्चे को कुछ हो गया तो? आपको कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा, समझ लो मैं बस गया और आया। मत जाओ। उस बच्चे को देख के तुम्हें तरस नहीं आता क्या? आता तो है, लेकिन ऐसे हालात में क्या करें। हाँ एक काम करें तो। क्या है बोलो। चश्मा निकाल के आप ही बच्चे के पास जाइए, तो आपको देख के समझेगा उसके डैडी आए हैं, खुशी में बुखार उतर जाएगा। थैंक यू रेखा, थैंक यू वेरी मच। ये क्या इतना इमोशनल हो गए? तुमने माँ की तरफ फील किया और जाने को कहा तो मुझ में भी डैडी की फीलिंग आ गई। देर मत कीजिए, जाइए। ठीक है, कपड़े बदल के आता हूँ। आधे घंटे में आ जाना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम है। आ जाऊंगा। अर्चना, अर्चना। क्यों जी, कहाँ चले गए थे? मुन्ना कैसा है? डैडी, मुन्ने को क्या हो गया? चोट आई है। वेरी गुड, पिता की एक्टिंग खूब कर रहे हैं, फिल्मों में ट्राई कर सकते हैं। आपने आने में देर कर दी, मैं कितना घबरा गई थी आप नहीं जानते। अब तो आ गया ना? अरे ये तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मुन्ने का बुखार उतरने तक अब बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओह माय गॉड, मैं आपसे बिछड़ के एक पल भी नहीं रह सकती। पगली कहेंगे, मैं रह सकता हूँ। आप
क्या बात है? आपके पति आए हैं या नहीं देखने आई थी? हाँ, अभी अभी आए। शुक्र है, मैं चलती हूँ। जी बहुत अच्छा, तुम्हें देख लूंगी। अर्चना, होम मिनिस्टर जी आए हैं, एक बार उनसे मिलकर फौरन आ जाऊंगा। फिर बाहर? डैडी मत जाइए। डैडी नहीं बेटे, अभी आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। इतना ओवर एक्टिंग, जरा भी शर्म नहीं है उसे, आने दो उसे। बच गया, तुमने वक्त पे आके दरवाजा खटखटाया, नहीं तो उसके साथ बिस्तर बांट लेते क्यों? अरे कैसे बांट लेता, तुम मेरे बारे में नहीं जानती क्या? बस बहुत हो गया, बच्चे के बाप की एक्टिंग करने को बोली तो उसके पति की एक्टिंग करने लगे। वो इसलिए क्योंकि बच्चे को शक नहीं होना चाहिए ना। क्यों, उसे बाहों में लेके चूमने से ही बच्चे को यकीन होता? और भी कई रास्ते हो सकते थे, मौका मिलते ही आएगा आएगा करने लगे। याद है हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई है, अगर हमारी फर्स्ट नाइट हो जाती तो क्या आप इतनी टेम्पटेशन में आते? रेखा मेरी, मुझे मत छुइए, पहले डेटॉल से बदन धोकर आइए, जाइए। ठीक है, इन पे भरोसा करके भेजना मेरी भूल थी। 48 घंटे हो गए, अर्चना का पति घर नहीं आया, रेखा का पति बाहर नहीं गया, वो डेफिनेटली 2-in-1 ही है। मैंने तो पहले ही बोला था ना कि वो दोनों एक ही है। और सिर्फ 24 घंटे ही तो हैं, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसका पर्दाफाश करेंगे, उसका बैंड बजा देंगे। अब रंगे हाथ पकड़े गए, इतना बड़ा प्लान बनाया है, बताता हूँ, खबर लूंगा तुम्हारी। हेलो, मैं हूँ सर। हेलो सर। अरे बाप रे, फिर मुझे सर कह रहे हैं सर, मैं आपका कांस्टेबल हूँ। रामचरण वो यहाँ पे नहीं आया सर। समझ गया सर, बीवी नंबर 2 बगल में है ना। हाँ सर, मैटर बोलिए। भास्कर और मुरारी दोनों ने मिलके आपकी खुशहाल जिंदगी में कांटे बोए हैं। बॉम्ब रखा है, जरा डिटेल में बताइए सर। हाँ हाँ, माय गॉड, अभी आता हूँ सर। क्यों जी, क्या हुआ? हमारे पुलिस स्टेशन में 2 टेरिस ने बॉम्ब रखा है, मुझे फौरन जाना है। बॉम्ब रखा है तो जान को खतरा है, वहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे जाके उन्हें निकाला है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, टाइम बॉम्ब रखा है, सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, मुझे कुछ नहीं होगा, गया और आया। मत जाइए प्लीज, सुनिए मेरी बात। अरे तुम अंदर जाओ प्लीज। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मत जाइए प्लीज। मैं बस गया और आया, मैं कह रहा हूं ना, मत जाइए प्लीज। देखो मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं। क्यों रेखा, तुम्हारा पति कहां भागे जा रहा है? उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन में बम रखा है। अरे वो बाहर गए तो उनकी जान को खतरा है ना। लेकिन ये बात तुम कैसे जानते हो? अरे बम की बात है ना, फटा तो खतरा है, वही बोल रहा था। इसी का तो मुझे भी डर है, अगर आप अर्चना जी के घर पे नहीं जाएंगे तो आपके राज का पर्दाफाश हो जाएगा। तो तुम एक काम करो। बोलिए सर। मैं अर्चना का पति बन के जाऊंगा, तुम मेरे ड्यूप बन के रेखा के पति बन जाओ। सर ये क्या आप बोल रहे हैं, मैं आपका ड्यूप? आपकी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है? आप लंबे, मैं ठेकना, आपकी कमर मेरा कमरा, आपकी पर्सनालिटी मेरी म्यूनिसिपैलिटी, मुझसे नहीं होगा सर। घबराओ नहीं, तुम्हारा हुलिया बदल के भेजूंगा। नहीं, मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अरे मैं हूँ ना। आप कब नहीं है, हीरो फिल्म की बिगिनिंग से लेकर एंड तक रहता है, कॉमेडियन हूँ, मेरी भी तो सोचिए। जैसा कहता हूँ ऐसा करो। अरे डरिए नहीं, डरिए नहीं, पत्नी पति को डराती है, पति को देख के डरती नहीं है। पति, पति कैसा? इस प्लास्टर के अंदर आपके पति हैं। क्या, क्या हुआ इन्हें? पुलिस वालों की जान बचाने के लिए ये अपने हाथ में बॉम्ब लेके भाग रहे थे तो बॉम्ब फट गया। ओह माय गॉड, मैंने मना किया था ना, मेरी एक नहीं सुनी, अब क्या? अरे दूर दूर, इस वक्त इन्हें बाहों में मत लीजिए, अंदर बैगन की तरह पकी इनकी बॉडी बस्ट हो जाएगी, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने कहा था ना खतरा है, फिर भी मेरी बात नहीं मानी, देखा कितना अनर्थ हो गया। देखिए आपका मंगलसूत्र साइकिल की चेन की तरह मजबूत है, इसीलिए इनकी जान बच गई। चलिए इन्हें अंदर ले चलते हैं। संभल के भाई साहब, संभल के। देखिए भाई साहब, भाई ये सिंगल नहीं डबल है। सच कह रहे हो? चलता फिरता सबूत सामने दिखाई दे रहा है तो फिर झूठ कैसे होगा, ये 2 है और उन दोनों के अलग अलग पति। संभल के, यहाँ पर ले जाइए, आप जाके पंखा लाइए। अच्छा अच्छा। अब डोंट वरी सर, डोंट वरी, इनका ध्यान रखिएगा। थैंक यू। सुनिए, आप कैसा है मुन्ना? आप ही को याद करा है। बेटे आओ, आओ। डैडी। बेटे का बुखार उतरने तक आप बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अपनी ड्यूटी मैंने शिफ्ट कर दी है, चौकी नंबर 2 पे नहीं जाना है अभी। साला कहीं का बम फट के भी बच गया, लंबी उम्र है। जैसे भी हो मुझे रेखा से शादी करनी है, कोई आइडिया है तो बता। सही सलामत होता तो हमारी खूब मरम्मत करता, अब तो वो बॉम्ब के फटने से 90% मर चुका है, बाकी के 10% की सांसों पे हम 2 मुक्का मारेंगे तो पूरा मर जाएगा, उसके बाद तुम रेखा से शादी कर सकते हो। तो चलो उसे ले जाके खत्म कर देते हैं। मेरी बात नहीं मानी ना, अब देखिए कितनी तकलीफ हो रही है, उठिए। उठा तो सो नहीं सकता। मैं सुला दूंगी, उठिए।
उठ के जूस पी लीजिए। बार बार पीऊंगा तो बाथरूम जाना पड़ेगा। ऐसा ना कहिए, खाना भी नहीं खाया, ताकत कैसे आएगी? पीजिए। जी नहीं। ये जी क्या? जी कहा जी? कहा होगा जी, जब से बम फटा है तब से किससे क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आवाज में भी फर्क है। जी हाँ, बम का इफेक्ट है जी, मुंह फट के जीभ कट गई थी ना। अरे रे, आपको कुछ हुआ? तो मेरा कौन है? वो और कौन? वो कौन? वो यानी ऊपर वाला, ऊपर वाला। अच्छा, लीजिए। ऐसे कांप क्यों रहे हैं? कांप क्यों रहे हैं ऐसे? ऊपर से नीचे तक शॉक लग रहा है तो कांपे बिना कैसे रहूं? जरा दूर हटिए जी, दूर हटिए। सॉरी सॉरी सॉरी। इतनी सी बात के लिए सॉरी क्यों जी? साड़ी बदल कर अभी आती हूँ, अभी आ रही। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? तेरे सामने साड़ी मत बदलिएगा, सह नहीं सकूंगा। अच्छा, शर्म आ रही है? नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है क्यों? मैं सुंदर हूँ ना, इसीलिए तो मुझे डर है। अरे भला क्यों, मैं कोई पराई तो नहीं? नो, आप इस तरह आगे मत बढ़िए, मेरे गुरुजी के साथ अन्याय करना पड़ेगा। गुरुजी? गुरु कौन? ये वही डॉक्टर साहब, ये पट्टी उतारने तक मुझे वी चैनल देखने से भी मना किया है। आप अंदर जाके बदलिए, नहीं तो मैं मोशन में आ जाऊंगा। अच्छा, अब समझी आपको किस बात का डर है। थैंक्स, बच गया, इस वक्त तो खतरा टल गया। अगर पता होता कि इस टाइप के सीन्स होंगे तो कभी नहीं आता यहाँ। हालात ऐसे ही रहे तो रात में पैर फिसल भी सकता है, संभलना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, छोटे बच्चों की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? थोड़ा डर तो होगा ही, सह लीजिए। अरे कौन हो तुम लोग? अरे अरे छोड़ो ने, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो उन्हें। अरे सुनाई नहीं देता क्या? छोड़ो उन्हें, छोड़ो, बचाओ बचाओ, हेल्प बचाओ। कौन चीख रहा है? ये तो रेखा की आवाज है। अरे बाप रे, वो बेवकूफ रेखा को देख के कहीं अटेम्प्ट होके अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा उस पर? रेखा क्या हुआ? मेरे पति को किडनैप करके ले गए हैं, मुझे बचाइए। कौन? पता नहीं कहाँ ले गए, बताइए। ओह माय गॉड, बचपन में ही फिक्स कर लिया था कि रेखा मेरी वाइफ है, अचानक पति बनके उनके साथ डुएट गाने लग गया बेटा। क्यों भीड़ू, मैं इतनी जोर जोर से मार रहा हूँ, ये कॉमेडियन की तरह हंस क्यों रहा है? अरे यार, ये सुपरमैन, दो राउंड और मारो। और मारो बबुआ, मारो। ए, तुम लोग भी आके पिटाई करो। अरे हम मारते मारते थक गए क्या? और मारो, मारो, मारो। इसको हमारी मार क्यों नहीं लग रही है, अब समझ में आया भाई? क्यों? डनलप बेड की तरह पट्टी बांध के खड़ा है तो मार कैसे लगेगी? अच्छा तो ये है रा। ए, देखते क्या हो, निकालो पट्टी और मारो। नहीं, पट्टी मत खोलना। क्यों, कपड़े नहीं पहने? अंडरवियर भी। कोई बात नहीं, हम भी मर्द ही हैं। नहीं, अरे बाप रे, अरे मेरी पट्टी मत खोलो। अरे सर, आप मेरी पट्टी खोल रहे, बचाओ मुझे, बचाइए सर। ये सब क्या है? अरे यार, मेरी पट्टी क्यों खोल रहे हो? अरे अरे अरे, बचाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे इसे बचाओ। अरे वाह, कमाल कर दिया। अरे
इस भेस में क्यों आए हो? मुझे धोखा क्यों दिया? सॉरी, तुम्हें धोखा इसने नहीं दिया, इसने दिया। मेरे पति कहाँ है? बाइबल पूरा पढ़ने के बाद यीशु कौन है पूछ रही हो बहन? आज तक तुम्हारा पति अलग और तुम्हारा पति अलग अलग है यही सोच रहे थे ना? लेकिन तुम दोनों ने शादी और जिंदगी एक ही पति से बांटी है, वो यही है। बबुआ, ये तुम्हारी क्या लगती है? ये मेरी बीवी है। और ये? ये भी मेरी बीवी है। हो गया ना पर्दाफाश। इस ड्रामे में हमारा रोल खत्म हो गया, अब बीवियों का वनडे मैच शुरू होगा। टॉस डाल के कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, ये खुद डिसाइड कर लेंगे भाई। हम गैलरी में बैठ के मैच देखते हैं, चलो। इतना धोखा क्यों दिया? विश्वासघात क्यों किया? नहीं, मैंने किसी को धोखा दिया नहीं, विश्वासघात किया। बैड लक, तकदीर के विचित्र खेल में कठपुतली बन गया। बोलिए, शादीशुदा होकर मुझसे दूसरी शादी क्यों की? मैं आपके लायक नहीं थी क्या? देखो, तुम दोनों पहले मेरी बात सुनो। तुम मर गई हो ये सोचकर सबने मिलकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। तो मुझे ये बात क्यों नहीं बताई गई? बताते तो मैं शादी के लिए मना कर देती, इसलिए ना। सच्चाई छुपा के शादी की थी, ये मुझे हमारी शादी के बाद ही पता चला। तब तो बता सकते थे, क्यों नहीं बताया? अगर पता था तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी ये सोच के नहीं बताया, या मेरे बदल से खेलने का चांस मिस होगा इसलिए। डोंट टॉक रबिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। लाचार होके पड़ी रहेगी, मजे से दोनों के साथ ऐश करता रहूंगा, ऐसा सोचा होगा। अर्चना, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मर गई समझकर दूसरी शादी कर ली याने? आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, मुझसे आपको प्यार नहीं है। क्या कह रही हो अर्चना? यस, अगर मुझसे प्रेम होता तो शादी करने की बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आती, दूसरी शादी नहीं करते। मेरी बात तो सुनो। मत छुओ मुझे। जिस दिन उसे मंगलसूत्र पहनाया उसी दिन हमारा रिश्ता टूट गया है, उसी दिन आपकी अर्चना सचमुच मर गई। रहिए, उसी के साथ रहिए, उसी को अपनी पत्नी मानिए। मुझे बैड कैरेक्टर वाला रोमियो नहीं, अच्छा कैरेक्टर वाला पति चाहिए। बोल्ड, क्लीन बोल्ड। खुशियों भरी सीआई साहब की जिंदगी बर्बाद कर दी ना। अगले जन्म में हीरो बनके मैं तुम दोनों का अंत देखूंगा, खबरदार। तुमने क्या किया है? चुप रहो, तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं। ठीक है, पति की दूसरी शादी करने वाली तुम माँ हो, मेरी सौतन लाने वाली तुम माँ हो, तो तुम्हारे दामाद की दूसरी शादी क्यों की? तुम्हारी याद में जिंदा लाश बन गया था, कहीं लाश बिना मर जाए इसलिए? ये जुर्म है? बोलिए डैडी, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मुझमें क्या कमी है जो एक शादीशुदा पति की बीवी नंबर टू बनाई गई हूँ? याने, सारी जिंदगी पति के बिना ही गुजारोगे, मर्द का सहारा नहीं चाहिए? क्यों, पति के बिना जी नहीं सकती? औरत को ही पति की जरूरत है, मर्द को पति की जरूरत नहीं है? अगर मैं दूसरे मर्द को चाहूँ तो क्या वो सह सकेगा? बोलिए डैडी। खामोश, मर्द और औरत की तुलना करती हो? क्यों, मर्द के सिंह है क्या, या फिर आसमान से टूट पड़ा है? सबकी जन्म क्रिया एक जैसी है, उसके रगों में जो खून है वही हमारे रगों में है। नहीं बेटी, पति की छोड़ी हुई औरत की इज्जत नहीं रहती, जीवन कटी पतंग की तरह हो जाता है। पत्नी को छोड़ने वाले पति की आरती उतारते हैं क्या? वो तुझे छोड़ना नहीं चाहता बेटी, वो तुझे प्यार करता है। वो प्यार करता है पत्नी को नहीं, औरत को। याने, रिश्ता तोड़ दोगी? रिश्ता जोड़ के क्या फायदा, आत्मसम्मान गिरा के उसके साथ जिंदगी बिताऊं? मांग में सिंदूर, सात फेरे, चार दीवारें, यही औरत के हद समझकर उसके पास पड़ी रहूं? दूजे के पास एक रात, मेरे पास एक रात बिताने वाले को अपना पति मान के पूजा करूं? मैं सती हूं, सौतन हूं, क्या वेश्या? इनमें से क्या समझ के किस हैसियत से उसके साथ मैं रहूं? पराई औरत को चाहने वाला मेरा पति नहीं है। नहीं मतलब? मुझे पति नहीं चाहिए, मैं उससे तलाक लूंगी। क्या है बेटा? वकील के नोटिस। वकील के नोटिस किसने भेजे? आपके बहू ने। किस लिए? तलाक चाहिए उन्हें। तुम क्यों दुखी होते हो? दुखी तो उनको होना चाहिए जो बेशरम होके अदालत में तलाक के लिए गई, तो जैसे अच्छे पति से बिछड़ते हुए उन्हें रोना चाहिए। औरत होकर भी उनमें इतना रोष और जोश है तो बेटा, मर्द होने के नाते तुम्हें कितना होना चाहिए? जब उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। आज तक तुम्हारी बात मैंने सुनी थी, अब जो मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। पति को छोड़ने वाली औरत को शायद पति ना मिले, मगर उस पति को लाखों मिलेंगी। ऐसा करने से लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। थूकने वाला काम तो उन्होंने किया है, तुम उनकी याद में जिंदगी भर दुखी रहो यही देख के खुश होना चाहते हैं। तुम फिर से शादी करोगे तो उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। यानी बदला लेने के लिए मैं फिर से शादी कर लूं? नहीं तो अब भी उनका पति हूं कह के उनके फोटो के सामने तड़प तड़प के मरोगे क्या? अनजाने में जो गलती की उसकी सजा भुगत रहा हूं, फिर कभी जिंदगी में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो जो गलती नहीं की वो कर। नहीं आते डाल। ये ले, मेरी तरह शराब की आदत डाल ले, दुख और दर्द को भुला दे। उनकी वजह से हुए अपान सहने की ताकत इसमें है, इसके अंदर जाते ही सोया इंसान जागता है। ले।
निकलो, आ बाहर। भाइयों और बहनों देखो, यह मेरी बीवी नंबर वन है और ये बीवी नंबर टू। क्यों, क्या देख रही हो? पी के आया हूं। मैंने नहीं पी, तुम दोनों ने पिलाई है। मेरे साथ खिलवाड़ करके शराबी बना के छोड़ा। तलाक चाहती हो तुम दोनों? हमारी शादी थी या ताश का खेल? जब तक चाह खेला, दिल भर गया तो फेंक दिया। आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया? तुम्हारे वापस आते ही ऑन द स्पॉट फर्स्ट नाइट कैंसिल करके तुम्हारे पास भागते हुए आया। और कोई दूसरा मर्द हनीमून छोड़ के आने वाला हो तो दिखाओ, दिखाओ ना चैलेंज। तुम मर गई हो समझ के मैं पागल हो गया था। आंखें बंद करते ही तुम सपनों में आ जाती थी। कितनी रातें सोए बिना मैं तड़पता रहा, इसीलिए चाहता था कि मर के तुम्हारे पास आ जाऊं। लेकिन मेरी माँ की याद में 24 घंटे नशे में डूब के मेरे पिता मेरी जिंदगी की चिंता करते थे। पत्नी के बिना पति पर क्या बीतती है मैं जानता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि बिछड़ी हुई जिंदगी की तलाश में भटकने से कोई फायदा नहीं, और मुझे समझाकर इसके साथ जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। ये मेरे यौवन में एक तूफान थी, इसमें मेरा क्या दोष है बताओ? क्यों मैम, नए मिलेनियम की इंडियन प्रतिव्रता, तुम्हें तलाक चाहिए? सेकेंड हैंड पति मिला इसलिए नफरत है? हाँ, आज से पहले मैंने कभी शराब पी है, तुम्हें छुआ है? हनीमून से आज तक तेरे साथ बिस्तर पे सोया था, ऐश किया था, शादी की बात भी मैंने तुम्हें पवित्र रहने दिया। अगर मेरे मन में खोट होती, औरत को देख के आए भरने वाला होता, तो कब की तुम्हारी इज्जत टूट के जिंदगी बर्बाद कर दी होती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, इज्जत क्यों दी तुम्हें? क्योंकि अर्चना मेरे दिल में समा गई है। मेरी पहली शादी के बारे में तुम्हें नहीं बताया, इसलिए अदरक खाए बंदर की तरह उछल रही हो ना? क्यों नहीं बताया जानती हो? मेरी बेटी से कोई शादी नहीं कर रहा है, दूसरी शादी कहा तो मना करेगी। कहकर तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के पांव पड़े तो मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखे में रखकर यह शादी करवाई थी। 20 साल पाल पोसने वाले तुम्हारे बाप ने ही तुमसे सच्चाई छुपाई तो मेरा क्या कसूर है? ये जब वापस आई थी तब पता चला कि तुमसे झूठ बोला था, तब मैं तुम्हें बताता कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी पत्नी वापस आ गई है, तो कहीं उस सदमे से तुम मर ना जाओ इसलिए नहीं बताया। और तुम अपने आप को क्या समझती हो? 9 महीने लंका में रहने वाली सीता को अग्नि प्रवेश करने को कहा था श्री राम ने, किसी बेवकूफ ने कुछ कह दिया तो गर्भवती सीता को जंगल भिजवा दिया था उन्हें श्री राम ने, योर फेवरेट गॉड। तुम बिना एड्रेस के 2 साल लापता रह के घर आई, तो मैंने तुम कहां थी, किसके साथ थी, कुछ पूछा था? नहीं। तुम पे शक किया? नहीं। बाय। पत्नी यानी प्रेम, पत्नी यानी भरोसा, पत्नी यानी विश्वास, वो श्री राम ग्रेट है या तेरा पति ग्रेट है? बोल। उस राम को देवता बना के मंदिर में बिठाया, मुझे पत्थर बना के सड़क पर फेंक दिया। नाम के लिए तुम पत्नी हो, लेकिन तुम्हें मां से ज्यादा प्यार किया है। तुम एटलीस्ट अपने बच्चे को जो प्यार देती हो उतना तो कम से कम मुझे देती। समझ में नहीं आया कि तुम दोनों के साथ न्याय कैसे करूं, उलझन में था, डर था सच्चाई जान गए तो दोनों का क्या होगा। तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए इसलिए तुम दोनों का रोना मैं खुद रो रहा था। मैंने इतना किया और तुम लोग मुझे ही तलाक देना चाहती हो? ठीक है, तुम दोनों को मैं अपना फैसला सुनाता हूं। आओ। तुम दोनों ने यह समझा होगा ना कि मैं आके तुम्हारे पांव पड़ूंगा। नेवर। सुनो, जब मेरी जरूरत नहीं तो मेरे पहनाएगा यह मंगलसूत्र क्यों? सुरक्षा के लिए उन्हें ऐसे ही पहन के एक्स पत्नियों की तरह बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती हो? नो, मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। सुहागिन बन के नहीं, मंगलसूत्र निकालकर पतिहीन विधवाओं की तरह तुम्हें जीने पर मजबूर करूंगा। तलाक दिए बिना ही तुम्हें विधवा बनाऊंगा। जिंदगी भर तुम दोनों को तड़प तड़प कर जीना पड़ेगा। बाय। रुक जाइए। क्यों, मेरा मरना भी तुम्हें पसंद नहीं है? आपको जीना है, पूरे 100 साल खुशियों से भरी जिंदगी, इसलिए नहीं कि आपसे प्यार नहीं या आप क्या है ये जानती नहीं। मेरी वजह से आप और रेखा को बिछड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आप पर शक किया था, अपमान किया था, आपसे बहुत दूर जाना चाहा, तलाक लेना चाहा। मैं आपकी पत्नी बनी, आपके बच्चे की मां बनी, कुछ साल आपके साथ रहकर जी भर के सुख पाया, लेकिन रेखा ने सिर्फ मंगलसूत्र के सिवाय
पत्नी होकर भी कुछ नहीं पाया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उसे अपना लीजिए। नहीं दीदी, ऐसा किया तो तुम पति को ही नहीं बच्चे को भी पिता से दूर करके पछताओगी। उन्होंने तन मन से सिर्फ तुम्हें चाहा है, प्यार किया है तुमसे। उनके मन में तुम ही हो, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जबरदस्ती मुझे पत्नी बनाओगी तो सिर्फ शरीर को अपना सकती हो, मन को बांट नहीं सकूंगी। उस पत्नी की जगह हमेशा तुम्हारी है। तुम दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है तो एक दूसरे के बारे में सोच के जिंदगी क्यों बर्बाद करती हो? बहनों की तरह मिलजुल कर रहो, उसे सुखी रखकर तुम भी सुखी रहो। क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी अर्चना है, रेखा हरगिज नहीं हो सकती। हाँ डैडी, ये हमेशा श्री राम जैसे ही रहेंगे। उस राम की सिर्फ एक ही सीता थी, वो सीता दीदी है। तो फिर तुम्हारी जिंदगी? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप लोग सुखी रहो। गुड लक टू बोथ ऑफ यू। आप लोगों का प्यार लव 2000 की तरह चूमता रहे।